ऑल राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हम लोग सिक्स डेज सिक्स मंथ्स सीरीज चल रही है हमारी आईपीएस पीओ मेंस के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अक्टूबर का फर्स्ट और सेकंड वीक कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, हेलो विशाल, और अब हम थर्ड और फोर्थ वीक कवर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वेस्ट तो करना है नहीं टाइम, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दो बातें कर लेते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है आपको, और आगे बढ़ते हैं। मैंने भी एक्चुअली ये वाली पीडीएफ्स बहुत अच्छे से ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अक्टूबर का थर्ड वीक, फोर्थ वीक, नवंबर का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, ये थोड़ा मेरा अभी बाकी है पढ़ने को, तो मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँगा। तो इसको मैं थोड़ा पढ़ने के हिसाब से पढ़ा करूँगा, ना कि सिर्फ रिविजन के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें जो अंदर अंदर की चीज़ें हैं वो भी पढ़ पढ़ के समझेंगे हम लोग, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि ये दो हफ्ते की ही वीडियो ऑलमोस्ट 3 घंटे चले जाए, पॉसिबल है, ठीक है, 2-2.5 घंटे जा सकती है, 2.5 घंटे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। थर्ड वीक है, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है इस पर, ठीक है। अगर वो कोई कॉपीराइट वगैरह आता है तो हटानी भी पड़ सकती है, ठीक है। शुरू करता है नेशनल अफेयर सबसे पहले। तो एक गेम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, इसने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, दीनदयाल अंत्योदय योजना के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, ठीक है। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योर ने पार्टनरशिप करी है दीनदयाल अंत्योदय योजना के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, किस चीज़ के लिए, ताकि वो इनेबल कर सकें वुमेन को फॉर दी फाइनेंशियल एक्सेस, ठीक है। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल एक्सेस के लिए इनेबल कर सकें, जो भी औरतें कोई भी बिजनेस वगैरह डालती हैं तो उनको फाइनेंशियली अवेयरनेस करा सकें, उनको लिटरेसी उसकी बता सकें और फाइनेंशियल चीज़ों को वो एक्सेस कर पाएँ, इस चीज़ के लिए इन्होंने ये MOU साइन किया है, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए चलेगा, ये फॉर ओवर 3 ईयर्स चलेगा, इसमें 10 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करी जाएगी, ठीक है। इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेन करेंगे विट्टा सखीज, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुमेन्स को बोला जाता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करी जाएगी। कितनी, 10 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, कितने साल तक, 3 साल के लिए। तो ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, ये लॉन्च किसने करा था, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा था, ठीक है, और जून 2011 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद रेलवे मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक इन उड़ीसा। तो फ्रेट तो हमें पता है आने जाने की जो भाड़ा के जो बोगियाँ होती हैं एल्यूमिनियम ट्रेन्स जो होंगी उनको उन्होंने फ्लैग ऑफ कराया, किसने, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने, ठीक है। ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक है जो कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन उड़ीसा में है, ठीक है। ये कोल लेके जाएंगी किसके लिए, हिंडालको के आदित्य स्मेल्टर प्लांट के लिए जो कि उड़ीसा बिलासपुर छत्तीसगढ़ जगह डेस्टिनेशन में है, ठीक है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से ये कोल को कैरी करेंगी किसके लिए, हिंडालको आदित्य स्मेल्टर, कहाँ पे, जो उड़ीसा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक कहाँ पे है, उड़ीसा में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम फ्रेट रेक है ना, ये फुली डिजाइन और डेवलप किया गया है इन कोलेबोरेशन विद रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये RDSO ने पूरा डिजाइन किया है और डेवलप किया है, ठीक है। हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेस्को वैगन एंड ऑल्सो 100% रिसाइकलेबल। तो सिर्फ ये इन्होंने ही नहीं, सिर्फ RDSO ने ही नहीं, हिंडालको इंडस्ट्रीज ने और बेस्को वैगन ने भी इस पर पार्टनरशिप करी है, और ये जो है ये 100% रिसाइकलेबल होएगा, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये कहाँ पे बना है, ये हिंडालको के स्टेट ऑफ आर्ट रोलिंग फैसिलिटी है, कहाँ पे, हीराकुंड उड़ीसा में, हीराकुंड डैम जहाँ पे है, हीराकुंड डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है।
तो इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट कॉरिडोर है। आवाज नहीं आ रही, आवाज कैसे नहीं आ रही? आवाज आ तो रही है यार, धीमी धीमी आ रही है, कम आ रही है। अब आ रही है, अब से पहले नहीं आ रही थी, बीच में रुकी थी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो समझ में आ गया, हम लोगों ने दो ही न्यूज़ पढ़ी हैं अभी तक। ठीक है, पहले ऊपर वाली दोनों, उसके बाद हम नीचे पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिमूव कर दिया है क्राइटेरिया। किस चीज़ का क्राइटेरिया रिमूव कर दिया है? ये जो सीपीएसई होती है ना, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया होता था। ठीक है, उनके लिए क्राइटेरिया होता था। किस चीज़ का क्राइटेरिया होता था? टू बूस्ट देयर शेयर प्राइसेस, टू बूस्ट देयर शेयर प्राइसेस ओवर दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेक्टोरल इंडेक्स। इस पे लिस्ट करने के लिए इनका कोई क्राइटेरिया होता था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हटा दिया है। ठीक है, किसके लिए? सीपीएसई के लिए। किसने हटाया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हटाया है। इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, ये S&P ग्लोबल और BSE, द S&P BSE फैमिली ऑफ इंडेसेस, ये इवेल्यूएट करती है BSE की परफॉर्मेंसेस को, BSE की परफॉर्मेंस को, जो कंपनी वहां पे लिस्ट हुई है उनका क्या नंबर ऑफ साइज है, क्या उसकी थीम है, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज है, इस पे वो उसको इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्राइटेरिया रिमूव करा है जो उनकी, किसका? सीपीएसई का। सीपीएसई का क्राइटेरिया रिमूव करा है जिससे वो चेक करते थे कि वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट करी है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू नेशन, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू नेशन। अच्छा जरा मैं देख लूँ आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है काफी साउंड इधर उधर हो रही है। ठीक है, आवाज ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट करी है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को, नेशन को डेडिकेट करते हैं उन्होंने। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होती है? ये एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होती है। ठीक है, जिसमें सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बेटर सर्विस कर सकें, बेटर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किसने दी हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद NHIDCL क्या है? ये नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने MOU साइन किया है किसके साथ? IIT पटना के साथ। IIT पटना के साथ MOU साइन किया है NHIDCL, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। ठीक है, किसके साथ? IIT पटना के साथ मिलके। क्या MOU हुआ है? कि जो हाईवे की कंस्ट्रक्शन है ना, उसमें थोड़ी इनोवेशन लानी है इनको, इनको थोड़ी इनोवेशन लानी है हाईवे की कंस्ट्रक्शन में। किसको? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसको इनोवेशन लानी है, तो इसलिए इसने IIT पटना को कहा है कि भैया आप पढ़ते लिखते हो बहुत ज्यादा, तो हमको बताओ क्या क्या नई इनोवेशन कर सकते हैं इसमें, है ना। उसके बाद नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मर बन के आया है, किसमें? एग्रीकल्चर और एलाइड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में। तो एग्रीकल्चर और अलाइड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मर बन के आया है, ऐसा किसने बोला है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है PM किसान सम्मान सम्मेलन। तो किसान सम्मान सम्मेलन किसने इनॉग्रेट करा है? मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है। कहाँ पे इनोग्रेट करा है? एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन लॉन्च करा है, इनोग्रेट करा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं।
मोदी जी ने उसके साथ में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी लॉन्च करे हैं। 600 किसान समृद्धि केंद्र भी लॉन्च करे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके साथ में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स MYAS, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, कि उनको NFSU में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे। किस चीज की टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे? जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं ना, डाइटरी सप्लीमेंट्स की एक टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। कहाँ पे? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात में। किस किस ने पार्टनरशिप करी है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने FSSAI के साथ मिलके नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात के लिए एक टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स की। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि एक नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। तो उन्होंने अप्रूव किया है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, उन्होंने अप्रूव किया है कि द वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड अ न्यू रिजर्व फॉर द टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व के जो टाइगर्स हैं उनके लिए, कुछ के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व में उनको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, उनको दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कुछ को ट्रांसफर करेंगे। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 टाइगर्स हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 टाइगर्स हैं, और उसके साथ ही में वो इंडिया, सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स कहाँ पे है? पन्ना टाइगर रिजर्व में। चलो आगे बढ़ते हैं। गरुड़ा एयरोस्पेस ने, एयरोस्पेस कह रहा हूँ, गरुड़ा एरोस्पेस ने पार्टनरशिप करी है लॉकहेड मार्टिन के साथ। लॉकहेड मार्टिन ये कनाडा बेस्ड कंपनी है, ठीक है, कनाडा बेस्ड कंपनी है लॉकहेड मार्टिन, उसके साथ पार्टनरशिप करी है गरुड़ा एयरोस्पेस ने, ठीक है। MOU है टू कोलेबोरेट ऑन ड्रोन्स। ड्रोन्स के लिए जो नई नई वो चीज लाते हैं, कुछ फैसिलिटीज लाते हैं, कुछ इनोवेशन के लिए लाते हैं, टेक्निकल चीजें लाते हैं, तो उसके लिए गरुड़ा एयरोस्पेस ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? लॉकहेड मार्टिन, जो कनाडा की कंपनी है। अब वहीं हमें याद होना चाहिए गरुड़ा एयरोस्पेस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। उसके बाद कटी बिहू फेस्टिवल कहाँ पे लॉन्च हुआ है? असम में लॉन्च किया हुआ है, सेलिब्रेट हुआ है। कटी बिहू फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये राजीव चंद्रशेखर जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राजीव चंद्रशेखर जी, कहाँ के लिए? गुजरात के लिए। कौन से डिपार्टमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो उन्होंने अनवील किया है, उन्होंने लॉन्च करा है, ठीक है, पहला सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिजाइन रोड शो। सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिजाइन रोड शो कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो उसकी डिजाइन वगैरह को बेटर करने के लिए किसने लॉन्च करा है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चौधरी, राजीव चंद्रशेखर जी ने एक सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिजाइन रोड शो लॉन्च करा है गुजरात में। आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एक बेंच बनाई है 3 DRTs की, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की, ठीक है, एक बेंच बनाई है 3 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की, ताकि वो जो केसेस हैं 100 करोड़ से ऊपर वाले, ठीक है, 100 करोड़ से ऊपर के डेट वाले जो केसेस हैं उनको रिजोल्व कर सकें, ठीक है। तो कहाँ पे बनाई है ये 3 DRTs? एक चेन्नई में, एक मुंबई में और एक दिल्ली में। तो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में एक एक ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया है, जिससे कि 100 करोड़ से ज्यादा का जिन लोगों ने लोन ले रखा है और उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए रिकवरी कर सकें। फिर PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इस PFRDA एजेंसीज हैज बिकम दी पार्टनर एंटिटीज किसके साथ? डिजी लॉकर के साथ। डिजी लॉकर के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है PFRDA की एजेंसीज ने। किस चीज के लिए? कि वो ऑफर करेंगे सब्सक्राइबर सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज। सब्सक्राइबर सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज को देंगे एक, कुछ तो सारी मतलब सारी, कुछ तो सर्विसेज एकदम सबके लिए फ्री होंगी, कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जिनको सब्सक्रिप्शन फी के साथ उनको मिलेगी, ठीक है। जैसे आपका कुछ डेटा होता है, क्या अक्टूबर का पूरे मंथ को इसी वीडियो में कंप्लीट कर दोगे? नहीं, मैंने प्रियंका जी एक वीडियो मैंने डे टाइम में पोस्ट करी थी, ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में जाएगी ना, ये वाला लाइव सेशन, उसी प्लेलिस्ट में एक और वीडियो भी पड़ी है, उसमें फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर हो रखा है। इस वाली वीडियो में थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर होगा,
ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको जून से लेके नवंबर 15 तक सारे करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको वो अच्छी लगेगी और आप पूरी वीडियोस देखेंगी वो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि PFRDA की एजेंसीज ने पार्टनरशिप करी है डिजी लॉकर के साथ ताकि वो सब्सक्राइबर सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज दे सके, ठीक है। आगे बात करते हैं, CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए कैबिनेट कमेटी होती है जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम मोदी जी होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है किसी भी क्रॉप के लिए, किसी भी उसके लिए, तो वो उन्होंने इंक्रीज करी है। किस चीज के लिए? जो रबी क्रॉप्स में 6 रबी क्रॉप्स है ना अपनी इस मार्केटिंग सीजन के लिए, उनके लिए उन्होंने कहा है कि इन 6 रबी क्रॉप्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हम उससे बढ़ा रहे हैं ताकि हम उनको फार्मर्स को थोड़ा पैसा ज्यादा प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है? व्हीट, गेहूं, मतलब गेहूं, बाजरा, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लॉर, सनफ्लावर होगी ना, सेफ्लॉर पता नहीं क्या होता है यार, ये बहुत ज्यादा पता नहीं है मुझे इनके, ठीक है। तो इनके प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। पहले 2015 से 2125, 1600 से 1735, मतलब 100 100 रुपये बढ़ा दिए हैं, कहीं कहीं 500 500 रुपये बढ़ाए हैं, तो ठीक ठाक रुपये बढ़ाए हैं, ठीक है। ओके अभी हाँ आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे? पंजाब के संगरूर में बन रहा था, पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बन रहा था, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो उस पर अब ऑथराइजेशन हो गई है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर ने कहा है, कहा नहीं, उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है, ठीक है। अब वो इनॉग्रेट हो गया है पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, उसमें 220 करोड़ की लागत लगी है और जर्मनी की एक कंपनी है, बायो एनर्जी कंपनी है जर्मनी की, वर्बियो एग्रीकल्चर, उसने इसमें काफी हेल्प करी है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा है, क्या लॉन्च करा है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। क्या होएगा कि जो पेंशन के लिए जितने लोग होते हैं ना उनको अलग अलग साइट पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो उनके लिए एक यूनिफाइड सिस्टम कर दिया है, यूनिफाइड पोर्टल कर दिया है, ठीक है। तो उस पोर्टल को मैनेज कौन करेगा? SBI मैनेज करेगा, ठीक है। SBI विल डेवलप दैट पोर्टल और SBI पहली बैंक बनेगा जो पेंशन को डिसबर्स करने वाली बैंक बनेगा, ठीक है। सेंट्रली पेंशन को डिसबर्स करने वाली पहली बैंक कौन बनेगी? SBI बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेलवे, रेलवे जो है वो बंद करने वाला है किसको? एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, किस चीज के लिए? जो हमारी वर्कशॉप है ना रेलवे की, उनको मॉडर्नाइज कर रहे थे, उनको मॉडर्नाइज कर रहे थे, तो उनके लिए जो वर्कशॉप थी, वर्कशॉप को जो मॉडर्नाइज कर रहे थे, तो उसके लिए एक उन्होंने स्कीम निकाली, एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम कर रही थी, उसे काम करते हुए बस 1 साल ही हुआ था और अब उसको बंद कर रहे हैं वो, ठीक है। उनकी मर्जी है भाई, कॉस्ट इफेक्टिव कुछ नहीं पड़ रहा होगा उसमें, तो वो बंद कर रहे हैं। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मैन्युफैक्चर करने वाला है। किसके साथ मैन्युफैक्चर करेगा? अब एक्चुअली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को टेक्नोलॉजी किसने दी है? एक यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल US की कंपनी है, उसने इनको टेक्नोलॉजी दी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, भाई साहब ऐसे ऐसे करके बनाई है। उन्होंने कहा ठीक है हम बना देंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से तो बना नहीं है, बना देंगे। इसके लिए इनको एक मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना था, तो कहाँ पे है वो? भुज गुजरात में है, भुज गुजरात में है। और उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर कहाँ पे है? खेड़ा आनंद में, खेड़ा आनंद गुजरात, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 7th एक्सटेंशन मिला है फ्रेम टू फ्रेम रूल्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो अब ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल्स अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक सिटीजनशिप को मेंशन किया गया है? जैसे मैं आपको छोटा सा हिंट दूं, 1 से लेके 4 तक यूनियन और स्टेट की बात हुई है, ठीक है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट और उसके डिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन को लेके बात हुई है। फिर उसके बाद बात करिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स की, तो आर्टिकल 5 से शुरू होता है
और कौन से आर्टिकल तक जाता है ये आप मुझे बताइए, आर्टिकल 5 से 10 तक जाता है या आर्टिकल 5 से 11 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी ने मिशुबिशी जो जापानीज कंपनी है ना उसके साथ पार्टनरशिप करी है, मिशुबिशी के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर हाइड्रोजन को फायरिंग सिस्टम्स के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन को फायरिंग सिस्टम्स के लिए एनटीपीसी ने मिशुबिशी के साथ पार्टनरशिप करी है। एनटीपीसी के सीएमडी कौन है, गुरदीप सिंह जी हैं। एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1975 में एस्टेब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली के, न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, किसका, एनटीपीसी का, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने मेरे को बताया नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहाँ से है, 5 से 11 तक है, ओके याद रखिएगा 5 से लेके 11 तक। उसके बाद 12 से आपके फंडामेंटल राइट्स शुरू हो जाते हैं। एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इन लोगों ने एमओयू साइन किया है, किस चीज के लिए, कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ना उसके इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी करा जाए, बहुत धीमे धीमे चल रहा है ये, ठीक है। हर किसी को कार्ड्स भी नहीं मिल पाया, हर कोई रजिस्टर भी नहीं कर पाया, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए कि किस किस को देना है, किस किस को नहीं देना है। उत्तर प्रदेश ने वैसे टॉप करा है इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रैंकिंग में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, ऐसा बोला है इन्होंने, ठीक है। और हमें यह भी पता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी कि जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, उसको जज करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप करी थी इन्होंने, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी थी एनएचए ने। चलो आगे बात करते हैं, ओके। अच्छा आर्टिकल 15 मूवी तो देखी है आप लोगों ने, है ना, आर्टिकल 15 मूवी तो आप लोगों ने देखी है, तो अब मेरे को ये बताओ आर्टिकल 15 किस चीज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट व्हाट, वो आप मेरे को बताओ। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं उन्होंने लॉन्च करा है ड्राफ्ट, एक किस चीज के ऊपर ड्राफ्ट लॉन्च करा है, ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक से कंसल्टेशन ले रहे हैं उसके लिए एक क्रेडिट फ्रेमवर्क डाला है, किसने, यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने डाला है, ठीक है। तो ये है द एनसीआरएफ, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये एक नेक्स्ट जनरेशन मल्टी डायमेंशनल टूल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप कराया है विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। रिलीजन, रेस नहीं, देखो मतलब ये तो काफी वैसी चीज हो गई, ऐसे नहीं, इसमें बात ऐसे होती है, आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 आपसे ये कहता है कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ भी ऑन द बेस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ठीक है, इनके बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये है आपका आर्टिकल नंबर 15। अंशुमन कुमार जी क्वांट्स के लिए कुछ बताओ, क्वांट्स के लिए, अच्छा रुको अभी थोड़ी देर में पहले नेशनल अफेयर्स खत्म कर लें फिर बात करते हैं, ठीक है, आप रुके रहना, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको अभी 10-15 मिनट में। तो ये तो हो गया, यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने एक ड्राफ्ट लॉन्च करा है किसके लिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कि किसके लिए काम करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए काम करता है, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है, ठीक है। इंडिया और फ्रांस को इलेक्ट कर दिया गया है दोबारा से एज प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस। तो अब जरा मेरे को ये बताओ कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही है सबको, चलो बताओ। उसके बाद वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई है, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई है, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है, हुई नहीं है, ठीक है, होगी, कब होगी, कि जब G20 मीटिंग होगी ना, G20 मीटिंग होगी फरवरी 2023 में, तब उसके साथ साथ में ना वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस भी हो जाएगी पेरिस, बुद्धू, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक ही तो हेडक्वार्टर हमारे पास है यार, गुड़गांव में है अपने, ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात गए थे, घूमने फिरने गए थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने कुछ काम किया था,
ओके, गुजरात में उन्होंने क्या किया भैया, डिफेंस एक्सपो 2022, डिफेंस एक्सपो 2022 को इनॉग्रेट करा, ठीक है। उस डिफेंस एक्सपो की थीम क्या थी, पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड उसकी थीम थी। और उन्होंने वहां पे नेशनल मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, ये क्या है उसका अनवील किया है, द मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस। ये एक इनिशिएटिव है, इसमें 10,000 करोड़ का बजट दिया गया है इन अदालत गुजरात, कोई मतलब नहीं है इसका। डिफेंस एक्सपो 2022 लॉन्च कराया गुजरात में, जिसकी थीम थी पाथ टू प्राइड, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। REC, REC तो वैसे रिलायंस वाली है ना, कोई रिलायंस इंजीनियरिंग वाली, REC की फुल फॉर्म नहीं थी, REC लिमिटेड ने PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाली है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन वाली है शायद, देखते हैं, पढ़ के देखते हैं अभी। REC ने पार्टनरशिप करी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल रो, चाहे ठीक है अलायंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, एग्रीमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, एग्रीमेंट बोला है इन्होंने। इसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, STPL के साथ। STPL मतलब ये सतलुज जल विद्युत निगम का थर्मल प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ पार्टनरशिप करी है इन लोगों ने। तो किस चीज के लिए पार्टनरशिप करी है ये भी तो बताओ। हाँ, अरे यार ये बार बार नीचे क्यों जा रहा है, मेरे कर्सर खराब कर देता कभी कभी। हाँ, पर्पस क्या है, फॉर फाइनेंसिंग 2 660 मेगावाट के कोल बेस्ड बक्सर थर्मल पावर प्लांट्स को फाइनेंस करना है इनको, ठीक है, ओके। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो REC ने, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप करी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है, कि वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के थर्मल प्राइवेट लिमिटेड को थोड़ा 2 यूनिट सेटअप कराएंगे उनकी, 2 यूनिट सेटअप कराएंगे उनकी, ठीक है, 2 यूनिट सेटअप कराएंगे, 660 मेगावाट के 660 मेगावाट की 2 यूनिट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। कर सर दिक्कत कर रहा तो नीचे आ जाएंगे। और मोदी जी वहां पे गए थे जरा, अच्छा हाँ ये भी तो है, मोदी जी अभी गुजरात गए थे, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, एकता नगर में है, तो एकता नगर केवड़िया गुजरात में है, वहां पे उन्होंने एंटोनियो गुटरेस जी के साथ मिलके, एंटोनियो गुटरेस जी के साथ मिलके लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च कराया, ठीक है। लाइफ प्रोग्राम के बारे में बात इन्होंने कहाँ करी थी, लाइफ प्रोग्राम के बारे में बात इन्होंने कहाँ पे करी थी, जब ये गए थे COP26, ठीक है, COP26 कहाँ पे हुई थी ये बताओ मेरे को पहले, फिर बताना COP27 कहाँ पे हुई है इस बार, ठीक है। COP26 चलो मैं बता देता हूँ, स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुई थी, ये तो सबको पता है, पर COP27 अभी हुई है, अभी जस्ट, तो वो कहाँ पे हुई है बताओ मुझे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन CEO स्कॉट नाथन विजिट टू इंडिया, ठीक है। तो उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्कॉट नेथन, किसके, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसके CEO कौन है, स्कॉट नेथन जी, वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने कुछ पार्टनरशिप वगैरह करी थी। तो क्रेडिट एक्सेस के लेके, क्रेडिट एक्सेस को लेकर उन्होंने बात करी थी। क्रेडिट एक्सेस क्या है, ये लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया को सर्व करती है, ठीक है। सर्विंग नियरली 4 मिलियन वुमेन, वहां पे 4 मिलियन वुमेन्स को इजिप्ट में, इजिप्ट में हुई थी, परफेक्ट, ठीक है। इट हैज ऑल्सो साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ 10 मिलियन गारंटी ऑफ अ रूपी लोन टू पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड फॉर बायोमास सप्लाई चेन, कुछ मतलब नहीं है इस न्यूज का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज, कहाँ पे, कृष्णा रिवर पे। अंशुमन कुमार जी, अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट बताई देता हूँ आपको थोड़ी देर। मैथ में दिक्कत, आपको सबसे पहली बात, दो मैथ में चीजें दो होती हैं, ठीक है, एक तो अरिथमेटिक, ऊपर से फिर दूसरा DI, लेकिन मेंस के पेपर में DI भी अरिथमेटिक वाली आती है, तो आपको कुल मिला के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बचे हैं आपके पास 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करनी है,
तो आप कैसे करोगे? अर्थमेटिक वीक है अगर काफी, तो यार मेंस में आपको, आप ये सोचो कि आप रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीएस में कैसे बेटर कर सकते हो। बिकॉज अगर अरिथमेटिक वीक है तो आप कैसे भी सेक्शन निकालने की तैयारी करो। मिसलेनियस की डाटा सफिशियंसी वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको करने की कोशिश करो, ठीक है। नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो कर सकते हो। और डीआई तो फिर ऐसे छू भी नहीं पाओगे, तो उससे पहले आपको मतलब कट ऑफ के लिए बात कर लो उसमें, क्वांट में। बाकी तो आपको बाकी सब्जेक्ट से नंबर उठाने हैं, ठीक है। हाँ यार, कुछ उसका पेपर का नाम ही डेटा एनालिसिस है, तो आपको दिक्कत तो होगी, ठीक है। 4 दिन में कुछ बेटर कर भी नहीं सकते आप, तो आपको बस अपने लिए कॉन्फिडेंट इसमें रखो कि जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग, उनको बेटर करो, ठीक है। अब चलो इतना ही बता सकता हूँ मैं अभी इसके लिए। बाकी अगर आपको और जानना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जैसा विशाल ने बताया अभी आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और उस पे आपकी हेल्प हो जाएगी। जो भी बता सकते हैं आपको, कुछ लोग हैं वो भी आपको बता देंगे अच्छे से। तो अभी हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज, कहाँ पे? जो कि कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि कृष्णा रिवर कहाँ पे है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ही निकलती है, ठीक है। कृष्णा रिवर पे एक ब्रिज लाला है, कौन सा? केबल कम सस्पेंशन ब्रिज। अब यहाँ से एक क्वेश्चन दूसरा बनता है, कि पहला रबर ब्रिज कहाँ पे लॉन्च हुआ है, कौन सी रिवर पे हुआ है और कौन से स्टेट में हुआ है, ठीक है। रबर ब्रिज इंडिया में ही हुआ है, तो बताओ कहाँ पे हुआ है और कौन सी स्टेट में हुआ है, मतलब हाँ कौन सी रिवर पे और कौन सी स्टेट में, ठीक है। ये जो ब्रिज है ना, केबल कम सस्पेंशन ब्रिज, ये सेकंड ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है, दुनिया में। कोई बात नहीं, उससे क्या ही मतलब है हमें, मतलब तो इस बात से है कि एक ब्रिज बना रहे हैं, कृष्णा रिवर पे बना रहे हैं, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को, नहीं भैया, अरे फागू रिवर पे बनाया है ना, फागू रिवर पे, बिहार की रबर वाला। विशाल, रिवीजन दिक्कत कर रहा है क्या तुम्हारा? ठीक है, तो नींद आ रही लग रहा है, नींद आ रही भाई। ओके, आगे बढ़े। महा एमटीएस, महाराष्ट्र का एमटीएस, जो माइग्रेशन के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, महाराष्ट्र का माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, ये इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। इंडिया का पहला है महा माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये इंडिया में पहला है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो कि क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स कितना माइग्रेट कर रही हैं यहाँ से, लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रन, ठीक है, वो कितना माइग्रेट कर रहे हैं, वो उन सबकी डिटेल्स को सिंगल सिस्टम पे ला के देगा। कौन देगा? ये महा एमटीएस मतलब महा माइग्रेशन, महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये लॉन्च किसने करा है? ये लॉन्च करा है महाराष्ट्र वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जी ने, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि एनएलसी इंडिया जो है, ठीक है, एक पीएसयू है, एनएलसी इंडिया ने पार्टनरशिप करी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के साथ पार्टनरशिप करी है एनएलसी इंडिया ने, ठीक है। किस चीज के लिए? कि ऑनशोर और ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स है ना, उनको सेटअप करने के लिए, उनको मतलब कैसे आगे बढ़ाना है, उनके फ्यूचर के लिए बात करने के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? ये विंड एनर्जी के साथ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के साथ पार्टनरशिप करी है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने। ओके, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आए थे, वही केवड़िया में जाके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास लाइव प्रोग्राम को इनॉग्रेट करा था उन्होंने। प्रियांश शर्मा कह रहे हैं भाई मेंस इस बार निकालना है, आई विल बी गिविंग माय फर्स्ट मेंस, तो भाई मेरा भी फर्स्ट मेंस है, होपफुली विशाल का भी है और हम सबका ही निकल जाए, ठीक है। और भी जितने भी सारे लोग जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, सबका ही निकल जाए, है कि नहीं। तो आगे बात करते हैं, मोदी जी ने इनॉग्रेट करी है, क्या इनॉग्रेट किया है? 90th इंटरपोल जनरल असेंबली, 90th इंटरपोल जनरल असेंबली इनॉग्रेट करी है, कहाँ पे? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक है, किसने? मोदी जी ने। उसके बाद डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, किसके?
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के, इन्होंने इनॉग्रेट करा है एक एडवांस्ड कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी। इन्होंने कार्डियक लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज करी है, ठीक है, कार्डियक लेबोरेटरी कहाँ पे, मुंबई में, मनसुख मंडाविया जी ने, ठीक है। और दी इनोग्रेटेड लैब इज साउथ, ये जो लैब है ना, ये जो कार्डियक लैब है, ये साउथ एशिया की पहली मोस्ट एडवांस मॉडल लैब है जो कि इमेज गाइडेड सर्जरी पे काम करेगी। इमेज के हिसाब से गाइड करते हुए सर्जरी होगी इसमें। इससे हमें कोई मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इस बात से है कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है, साउथ एशिया में, और ये मुंबई में लॉन्च हो रही है, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी है, इतना पता होना चाहिए हमें। अब इंटरनेशनल अफेयर्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आया, ठीक है, इंडिया 6 रैंक नीचे गिर गया, ठीक है, 6 प्लेस नीचे गिर गया, अब 107 की रैंक पे आ गया। पहले कितनी रैंक पे था? पहले 101 पे होएगा अगर, है ना, 101 पे था पहले 116 कंट्रीज में से, अब 107 पे है 121 कंट्रीज में से, 5 कंट्री टोटल बढ़ गई, 6 प्लेस हम नीचे आ गए, ठीक है। तो हम टोटली गिरे ही हैं एक हिसाब से। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, ये कौन पब्लिश करता है? ये यूरोप के कुछ एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर के साथ काम करते हैं, उन्होंने इस लिस्ट को डाला है, इंडेक्स को डाला है, जिसमें हमारी रैंक 107 आई है, ठीक है भैया। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022 लॉन्च हुआ है, जिसमें कि नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल बाय अबाउट 415 मिलियन बिटवीन 2005-6 से 2019-21। अब यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि 2005-6 से आप कंपेयर कर रहे हो 1921 को, लेकिन ठीक है, कर लिया। 415.5 मिलियन लोग जो हैं वो नीचे आ गए हैं, गरीबी रेखा के, मतलब गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, ठीक है। पुअर पीपल 415 मिलियन पीपल गरीबी से ऊपर आ गए, ठीक है। इतने टाइम में, 15 साल की पीरियड में काम तो अच्छा हुआ है। तो एक हिसाब से अगर आप एवरेज देखते हो, ठीक है, एवरेज देखते हो तो करीबन 30 मिलियन के आसपास लोग हर साल बाहर निकले हैं, 30 मिलियन, दैट इज अ गुड नंबर, ठीक है, दैट इज अ गुड नंबर। 10 मिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़, तो 30 मिलियन इक्वल्स टू 3 करोड़, तो 3 करोड़ लोग हर साल ऊपर आए हैं वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, एक रिपोर्ट आई है कि ड्रोन्स कैन कंट्रीब्यूट टू 100 बिलियन जीडीपी इंक्रीज। ड्रोन्स जो हैं वो जीडीपी में 100 बिलियन तक डॉलर तक का इंक्रीमेंट ला सकते हैं। ये किसने बोला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर किसने करी है? सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया का है, उसने WEF के साथ पार्टनरशिप करते हुए अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी है साथ में, समझ रहे हो, अडानी जी ने भी हेल्प करी है इसमें, बढ़िया है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है। उसमें उन्होंने रिपोर्ट निकाली, उसने कहा कि हाफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव नो अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब इस दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं 206 के आसपास हैं अभी भी, और टूट टूट के बन जाती हैं हाल फिलहाल, तो 206 के आसपास हैं, उनमें से 103 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में ये जो डिजास्टर्स होते हैं ना, आपदाएँ आती हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, उनके लिए वार्निंग सिस्टम अभी तक इम्प्लांट नहीं करा गया है, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें बोला है। तो मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 41st आई है और आइसलैंड ने टॉप कर लिया है। मर्सर्स की लिस्ट आई है किसकी? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की, ठीक है, उसमें इंडिया ने 41st रैंक है और आइसलैंड ने टॉप कर दिया है, ठीक है भैया। नाटो बिगिंस न्यूक्लियर एक्सरसाइज अमिट रशिया वॉर टेंशन, ये तो कुछ वो नहीं है, ये तो बस रशिया के वॉर का वो दिखा रहे हैं, हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाटो वाले यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज, रशिया वाले वहाँ पे करेंगे, बस यार न्यूक्लियर अटैक ना करते रशिया पुतिन पे, कोई यार पुतिन बंदा बहुत तेज है। जेंडर इनइक्वालिटी में भी आइसलैंड टॉप पे है,
अब जरा ये बता दो जेंडर इनइक्वालिटी में हमारी रैंक क्या है। जेंडर इनइक्वालिटी में हमारी रैंक क्या है ये बताओ जरा। ओखला के स्पीड टेस्ट, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च हुआ। इंडिया फॉल्स अ रैंक इन मोबाइल एंड फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड्स। इंडिया फॉल्स अ रैंक मतलब एक रैंक कम हो गई उसकी। पहले 117 नंबर पे थे हम, अब 118 नंबर पे हो गए। किस पे? जो ब्रॉडबैंड की स्पीड आती है हमारे यहाँ, वो पहले हम मतलब सोचो 206 देशों, 204 देशों में 117 नंबर पे पहले थे, अब 118 नंबर पे चले गए। हमारे नेट की स्पीड इतनी धीमी है इमेजिन। पर एक्चुअली बात क्या है ना, हमारे यहाँ जो अभी ध्यान चल रहा है ना, वो इस बात पे ध्यान चल रहा है कि हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कितनी ला सकते हैं। एक्चुअली हमारे अश्विनी वैष्णव जो, हाँ अश्विनी वैष्णव जी थे जिन्होंने अभी इंटरव्यू में बताया था कि हम काम कर रहे हैं इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे, ताकि हम डिपेंड ना करें दूसरी कंट्रीज पे। अब बहुत सारी जो कंट्रीज है ना, छोटी छोटी कंट्रीज, उनको ये इंटरनेट सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? ये स्पेस एक्स वगैरह दे दे रहा है, ठीक है ना, ये जो यूएस की, यूरोपियन यूनियन की, रशिया की, चाइना की, बड़े बड़े देशों की जो है सर्विसेज वो देती हैं उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो हमारे यहाँ की अगर इतनी रैंक कम है, उसमें हमें घबराने की बात नहीं है। हम काम अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए कर रहे हैं चीजें। अब बात करते हैं द सेंटी मिलीनियर रिपोर्ट। द सेंटी मिलीनियर रिपोर्ट आई है 2022 की। इंडिया इज थर्ड ऑन दी सेंटा मिलीनियर्स रिपोर्ट। इंडिया 3 नंबर पे है, ठीक है। सेंटा मिलीनियर्स क्या होते हैं भैया, ये मुझे नहीं पता। दी सेंटी मिलीनियर्स आर इंडिविजुअल्स हु हैव इन्वेस्टेबल एसेट्स वर्थ मोर देन $100 मिलियन। मतलब जिन लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए $100 मिलियन से ज्यादा ज्यादा होते हैं ना पैसा, उन लोगों को बोला जाता है सेंटी मिलीनियर्स, ठीक है। तो उसमें हमारी रैंक 3 नंबर की आई है और हमने चाइना को ओवरटेक कर दिया। नहीं, हमने चाइना को ओवरटेक कर देना है 2032 तक। हम चाइना को 2032 तक ओवरटेक कर देंगे। और हम अभी हम तीसरे नंबर पे हैं, अभी हम तीसरे नंबर पे हैं, चाइना नंबर 2 पे है। बाय 2032 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास चाइना नंबर 2 एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, ठीक है। उसके बाद पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया है। 2032 तक हमें पीछे कर देंगे। हाँ, 830 करोड़ से ज्यादा हो जिनके पास, या फिर $100 मिलियन से जिसके पास ज्यादा है, ठीक है। और ये बात करते हैं, ये क्या है एफएओ, ठीक है। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यूएएच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इन सब लोगों ने पार्टनरशिप करी है। किस चीज के लिए? कि लॉन्च करेंगे एक हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। कौन लॉन्च करेगा ये? एफएओ रोम इटली में हेडक्वार्टर, यूएनईपी नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुझे याद नहीं है, यूएस में है शायद, वॉशिंगटन में है शायद, मुझे पता नहीं है डब्ल्यूएचओ का, और वो का भी, इसका भी नहीं पता मुझे, और उन्होंने दिया भी नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, जिसका पता है उसका पता है। तो इन्होंने लॉन्च करा एक वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान फॉर एक्शन, वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान फॉर एक्शन। आगे बात करें सारंग। सारंग एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंथ्रेल्स आर्ट्स एंड म्यूजिक लवर्स इन साउथ कोरिया। तो सारंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ये सवाल बन सकता है। ये रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया में मनाया जाता है। कौन सा? सारंग फेस्टिवल, ठीक है। आगे बढ़े, ऑस्ट्रेलिया ने रिवर्स कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया रिवर्सेस रिकॉग्निशन ऑफ जेरूसलम एज इजराइल्स कैपिटल, ठीक है। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेड बाय एंथनी एल्बनीज हैज रिवर्स द प्रीवियस गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ऑफ वेस्ट जेरूसलम एज इजराइल्स कैपिटल एंड एग्रीड टू अगेन रिकॉग्नाइज तेल अवीव एज द कैपिटल, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो हम तेल अवीव को ही उनकी कैपिटल मानते हैं, और हम भी तेल अवीव को ही उनकी कैपिटल मानते हैं, इंडिया वाले भी। पर यूएसए जो है वो जेरूसलम को उसकी कैपिटल मानता है इसराइल की, ठीक है। एट्थ एडिशन ऑफ सारंग, एट्थ एडिशन ऑफ सारंग हुआ है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सही बात है। एट्थ एडिशन था सारंग फेस्टिवल का, कहाँ पे? साउथ कोरिया में। ऑस्ट्रेलिया ने कैपिटल क्या मानी है इसराइल की? तेल अवीव। पहले जेरूसलम मानता था, अब तेल अवीव। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज, अब ये बंदा सोचो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में वोटिंग किस बात पे हुई? क्लाइमेट एक्शन को देखते हुए, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन को लेके इसके जो व्यूज थे, क्लाइमेट
वो ज्यादा बेटर थे बाकियों से, तो इसलिए इसको चुना गया है। और हमारे यहाँ किसको देख के चुनाया जाता है कि अच्छा तुम यादव हो, तुम काछी हो, तुम ठाकुर हो, ठीक है, इस चीज को देखते हुए। ठीक है, पर लेकिन ठीक है, वो कंट्री छोटी है, हम कंट्री बड़े हैं, हमारे अलग चैलेंजेस हैं, उनके अलग चैलेंजेस हैं, बट स्टिल ये दिखाता है हम अभी कहाँ पे हैं हम, और हमें कहाँ पे पहुंचना है ये भी बताता है। उसके बाद FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आउटकम आए हैं अक्टूबर 2022 के, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अब ये भी एक पॉइंट है कि FATF ने पाकिस्तान को बाहर क्यों निकाल दिया है। आपको पता है FATF ये सारा कुछ US का ही किया धरा है, ये सारी जो होती हैं, ठीक है, तो ये US का किया धरा होते हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं। अब हाल फिलहाल क्या चल रहा है ना कि रशिया यूक्रेन पे वॉर कर रहा है, अब यूक्रेन को मिलिट्री सप्लाई करनी है, ठीक है, यूक्रेन के लिए हमें हथियार भेजने, हमें नहीं भेजने, US को भेजने, क्योंकि रशिया से फाइट तो US को ही करनी है इन दी एंड, ठीक है। तो US क्या कर रहा है, US पाकिस्तान को ऐसी चीजों से हटा रहा है, जैसे इस लिस्ट से हटा दिया, तो अब इस लिस्ट से हटने के बाद उसको IMF से लोन मिलने लगे, ठीक है, और भी काफी जगहों से उसे लोन मिलने लगे। अब वो लोन जो दिख रहे हैं ना, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करके वेपन्स को निकाल के पैसा उनको दे देंगे, वेपन्स दे देंगे वाया पाक रूट, उनको यूक्रेन को वेपनरी दिलवाएंगे। तो ये सारा US का किया धरा है भाई साहब, ठीक है। लेट अन्ना मे वोंग ये पहले एशियन अमेरिकन एक्टर थे जो अपीयर करे हैं US की करेंसी पे, ठीक है। अन्ना मे वोंग ये फर्स्ट एशियन अमेरिकन एक्टर हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी पे फीचर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद शी वॉज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन एक्ट्रेस टू रिसीव अ स्टार ऑन दी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन 1960। कौन है लेट अन्ना मे वोंग? यूनाइटेड स्टेट्स सेल्फिश या कैपिटलिस्ट है, हाँ सेल्फिश बोल सकते हो, कैपिटलिस्ट लोग हमेशा सेल्फिश ही होते हैं, ठीक है। अब बैंकिंग और फाइनेंस की बात करते हैं, अक्टूबर में जो हुए हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी ने एक MOU साइन किया है 11 बैंक्स के साथ फॉर अग्निवीर की सैलरी अकाउंट के लिए। तो अग्निवीर प्रोग्राम डाला था इन्होंने, उसको क्या नाम, अब अग्निवीर लौंडे इकट्ठे कर लेंगे ये, और उनको सैलरी कैसे देंगे, उनके लिए 11 बैंक से टाइप कर लिया है। कौन कौन सी बैंक है, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI है, और भी बहुत सारी बैंक्स हैं। तो 11 बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट। लास्ट ईयर भी कोई ब्लैक वुमेन अपीयर हुई थी, कोई ब्लैक वुमेन, हाँ लास्ट ईयर के इसी साल अपीयर हुई थी, वो नाम याद नहीं है मुझे भी, पर उनकी ही थी, उन्हीं की थी, अमेरिकन ही थी लेडी, ठीक है, शायद वो जज वगैरह थी कुछ शायद। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च करा है एक टर्म डिपॉजिट स्कीम, KBL सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, हाँ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बाकी सारी प्राइवेट। तो अब आजकल हेल्प हो रही है, प्राइवेट की हेल्प ली जा रही है, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी बोला है कि इसको HDFC बैंक को, ICICI बैंक को, एक्सिस बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए जब भी कोई परचेज करता है बाहर से, ठीक है। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च करा एक टर्म डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है KBL सेंटेनरी डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। ये एक यूनिक टर्म डिपॉजिट स्कीम है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होएगा, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेनरी ईयर 2023-24। अब पता नहीं ये सेंटेनरी कैसे हुए इनकी ईयर, अच्छा ये 1924 में स्टेब्लिश हुई थी कर्नाटका बैंक, तो 100 साल हो रहे हैं उसे 23-24 में, तो उसके लिए उन्होंने एक स्कीम डाली है KBL सेंटेनरी डिपॉजिट स्कीम, ठीक है भाई। एक DCB बैंक है, DCB बैंक ने रिलॉन्च दोबारा से लॉन्च करा है सुरक्षा फिक्स डिपॉजिट स्कीम अपने कस्टमर्स के लिए। कोई मतलब नहीं है इसका, नहीं सेंटेनरी का मतलब तो 100 साल होता है, पर 23-24 में मुझे ये नहीं पता था ना कि 23-24 में कैसे 100 साल, तो इनकी खुद के 100 साल हो रहे हैं, ठीक है, ओके। SBI जनरल इंश्योरेंस ने गपशप के साथ पार्टनरशिप करी है और लॉन्च करा है एक इंश्योरेंस बाइंग फैसिलिटी वाया व्हाट्सएप। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंपनी ने इसके साथ पार्टनरशिप करते हुए व्हाट्सएप पे इंश्योरेंस बाइंग फैसिलिटी लॉन्च करी है, ठीक है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने गपशप के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है। गपशप क्या है, ये कॉन्वर्जेशनल एंगेजमेंट वो है, कोई मतलब चैटिंग वाला सिस्टम होएगा गपशप,
उसके बाद LIC ने लॉन्च कराया धनवर्षा लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो धनवर्षा लाइफ इंश्योरेंस प्लान किसका? LIC का है, इतना ही पता होना चाहिए। आगे बढ़े। कैश ई, कैश ई और IRCTC ने मिलकर लॉन्च कराया TNPL फैसिलिटी ऑन रेल कनेक्ट। TNPL फैसिलिटी क्या है? ये ट्रेवल नाउ पे लेटर। कैश ई ने IRCTC के साथ पार्टनरशिप करी है कि आप आज ट्रेवल करो, पेमेंट कल कर देना, ठीक है, बाद में पेमेंट कर देना। तो किसने पार्टनरशिप करी है? कैश ई ने IRCTC के साथ, ठीक है, ट्रेवल नाउ पे लेटर फैसिलिटी फॉर रेल कनेक्ट। ठीक है यार, ये जो है ये रात में भाई साहब ये लोग आ जाते हैं, इनको ब्लॉक करना पड़ जाता है। ओके। NMFSL क्या है ये? MMFSL, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, ताकि जो क्रेडिट एक्सेस है ना कस्टमर्स का, उसको बेटर कर सकें। ठीक है, ओके। RBI ने प्रोवाइड करा है, RBI प्रोवाइड्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सिजेंट टू ऑपरेट एज NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। तो सिजेंट को उन्होंने बोला है कि आप NBFC अकाउंट एग्रीगेटर की तरह काम करो, RBI ने बोल दिया। ठीक है, बढ़िया। HDFC सिक्योरिटीज ने ओपन करी है अपनी पहली वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर इन बेंगलुरु। अब देखो इससे क्वेश्चन बनता है, HDFC सिक्योरिटी ने तो लॉन्च करी है अपनी पहली वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर इन बेंगलुरु, अब HDFC बैंक ने लॉन्च करा है ऑल वुमेन बैंक ब्रांच कहाँ पे लॉन्च करी है बताओ जरा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ पार्टनरशिप करी है, किसके लिए? इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, हाँ, HDFC बैंक केरला, कोझिकोड केरला। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ कोलैबोरेट किया है, किसके लिए? कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को थोड़ा बेटर किया जा सके। ठीक है, अच्छी बात है। गिफ्ट सिटी फिनटेक एसोसिएशन ऑफ जापान साइन MOU विद, ओके, गिफ्ट सिटी ने MOU साइन किया है जो फिनटेक एसोसिएशन ऑफ जापान है उसके साथ, किसके लिए? कि भाई इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाओ फिनटेक में। ठीक है, उसके बाद NBBL क्या है? NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, उसने पार्टनरशिप करी है KMBL के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स वाया भारत बिल पेमेंट सिस्टम। पहले डेबिट कार्ड वाले ही चलता था सारा कुछ, तब क्रेडिट कार्ड के जो बिल पेमेंट होते हैं ना, वो भी आप कर सकते हो भारत बिल पेमेंट सर्विसेज से। ठीक है, अपने उनके प्लेटफॉर्म से। उसके बाद फोन पे ने लॉन्च करा है पहला ग्रीन डेटा सेंटर इन एसोसिएशन विद डेल टेक्नोलॉजीज एंड NTT। तो फोन पे ने डेल और NTT डेटा के साथ टाई अप किया है, किस चीज के लिए? पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने के लिए। तो ग्रीन डेटा सेंटर होता क्या है? कि भाई ग्रीनरी को लेके कितनी कितनी चीजें हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को लेके क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस चीज को बताने के लिए ग्रीन डेटा लॉन्च करा है फोन पे ने NTT के साथ और डेल के साथ मिलकर। ओके, IDBI बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है फेस्टिव ऑफर्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्या करना है? और PFRDA, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, गलत हुआ, दिक्कत कर रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने मॉडिफाई करी है इक्विटी एलोकेशन रूल फॉर Tier 1 एंड Tier 2 अकाउंट्स अंडर NPS। ठीक है भाई, कि जो इक्विटी प्रोवाइड करी जाती है ना Tier 1 और Tier 2 सिटीज को जिस तरीके से, उसके लिए जो रूल्स हैं अंडर NPS Tier 1 और Tier 2 सिटीज को डिफाइन करने के लिए, उनको चेंज किया है थोड़ा बहुत। ठीक है, जो नया रेगुलेशन है उसमें वो बताते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 75% ऑफ देयर फंड्स कहाँ पे लगा सकते हैं? Tier 1 अकाउंट्स में। ठीक है, 75% ऑफ फंड्स ऑफ इक्विटी अंडर Tier 1 अकाउंट्स फ्रॉम द एज ऑफ 51 ईयर्स विदाउट एनी टेपरिंग रिक्वायरमेंट्स। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिसाइड किया है टू एलोकेट 100% ऑफ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन एसेट्स इन Tier 2 अकाउंट्स। ठीक है, तो 75% फंड कहाँ पे? Tier 1 में, और 100% कहाँ में? Tier 2 में।
चलो अच्छी बात है। PFRDA ने ये टीयर वन टीयर टू के लिए अंडर NPS एलोकेशन रूल में चेंजिंग करी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए। PFRDA का एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी एंड बिजनेस की बात करें अगर हम, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में रीच $475 बिलियन अगले 5 साल में, ठीक है। अगले 5 साल में $475 बिलियन हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नोकिया ने पार्टनरशिप करी है एरिक्सन के साथ, नोकिया ने एरिक्सन के साथ पार्टनरशिप करी है, ओके। नोकिया और एरिक्सन ने साइन किया है मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, रिलायंस जियो के साथ 5G नेटवर्क के लिए। तो 5G नेटवर्क के लिए नोकिया और एरिक्सन ने रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप करी है। देखा वो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है पहले भी ऐसा हुआ है मोमेंट तुमको नींद आ रही है भाई विशाल, हम बता रहे हैं तुमको। इंडियन बैंक, इंडिया बैंक ने जो इंडिया इंडिया बैंक पढ़ रहा हूँ, देख रहे हो तो मुझे नींद तो मुझे भी आ रही है क्या, नींद तो नहीं आ रही है। इंडिया में ओवरटेक जर्मनी जापान टू बिकम दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया जापान और जर्मनी को पीछे करके दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा किसने बोला है, किसी ने बोला है कब तक, 2028 तक, अगले 5 साल में, ठीक है। जो दो इकोनॉमीज हमसे आगे रहेंगी वो होंगी US और चाइना, और हम उसे भी US को भी पीछे, मतलब US करें चाइना को भी पीछे करेंगे, कब तक करेंगे, 2029 तक बोला है SBI इको रैप ने कि हम दूसरे सबसे बड़े वो बन जाएंगे, है ना, दूसरे बनेंगे, ठीक है। तो 2028 तक का बोला है कि हम 30 नंबर पे पहुंच ही जाएंगे, चलो ठीक है पहुंच जाए अच्छा है। उसके बाद JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने MOU साइन किया है ग्रीनको के साथ फॉर 1000 मेगावाट की कार्बन फ्री एनर्जी, 1000 मेगावाट की कार्बन फ्री एनर्जी के लिए जिंदल स्टील पावर प्लांट ने ग्रीनको ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है। अच्छा इसको वो तो कर दूँ, ऊपर नहीं किया क्या, किया है। द नेदरलैंड सरप्रासेस चाइना टू बिकेम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। हम चाइना से ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, नेदरलैंड में कर रहे हैं, ठीक है। अभी नेदरलैंड का एक पेमेंट गेटवे था, उसने कहा था कि वो हमारे यहाँ से जो रेमिटेंसेस हैं उनको लेने लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, फोन पे इज गोइंग टू इन्वेस्ट $200 मिलियन किस चीज के लिए, टू सेटअप डेटा सेंटर्स इन इंडिया। अभी ग्रीन डेटा के लिए बात कर रहा था फोन पे अभी ऊपर ग्रीन डेटा के लिए बात कर रहा था, एनटीटी डेटा के साथ पार्टनरशिप करी थी, ठीक है, फोन पे ने, और किसके साथ, हाँ एनटीटी डेटा और डेल के साथ पार्टनरशिप करी थी, और वहीं पे अब $200 मिलियन दे रहा है किस चीज के लिए, टू सेटअप डेटा सेंटर्स इन इंडिया। कहाँ पे सेटअप करेगा इंडिया में, ये नहीं बताया होंगे अभी, हाँ बताया है बेंगलुरु और कर्नाटका और नवी मुंबई में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका और नवी मुंबई में सेटअप करेगा, बढ़िया है। कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस की बात करें, हैदराबाद ऑनर्ड एज ग्रैंड विनर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड में हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स के लिए हैदराबाद को विजेता घोषित किया गया है, ठीक है। इनका थीम क्या था, टाइटल क्या था, ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद ने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिंग ग्रोथ के लिए भी टॉप करा है, हैदराबाद ने ग्रीन में काफी टॉप करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 66 बैलन डियोर अवार्ड रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा को मिला है, ठीक है, और फीमेल में अलेक्सिया पिटुलिस को मिला है, ठीक है। मेंस में करीम बेंजेमन और वुमेन्स में अलेक्सिया पिटुलस, ठीक है। तो ये जो बेंजेमन जी हैं ये फ्रेंच के हैं, ठीक है, ये करीम बेंजेमा ये फ्रेंच के हैं और अलेक्सिया पिटुलस स्पेनिश हैं। इंडियन आर्मी ने डेडिकेट किया है, इंडियन आर्मी डेडिकेटेड अ चेयर ऑफ एक्सलेंस, इंडियन आर्मी ने डेडिकेट करी है एक चेयर ऑफ एक्सलेंस एट यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन मेमोरी ऑफ जो लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत जी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत जी की मेमोरी में इन्होंने डेडिकेट करी है एक चेयर ऑफ एक्सलेंस, ठीक है, ओके, इंडियन आर्मी ने।
ये वर्ल्ड वॉर टू में डेथ हुई थी उनकी, ठीक है। वो ये इंडियन ऑफिसर थे जो विक्टोरिया क्रॉस, कोवेटेड विक्टोरिया क्रॉस, ही वन दी कोवेटेड विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। श्रीलंकन राइटर कौन है ये? स्नेहन करु नतिलका। श्रीलंकन राइटर हैं स्नेहन करु नतिलका। इनको बुकर प्राइज मिला है 2022 का। इन किस नॉवल के लिए? द सेवन मून्स ऑफ माली। सेवन मून्स ऑफ माली किताब के लिए किनको? श्रीलंकन राइटर शेहन करुणा तिलका जी को बुकर प्राइज मिला है 2022 का, ठीक है। और मेसी के पास 7 है, रोनाल्डो के पास 5 है, ये बात सही है। तुम तो फुटबॉलर आदमी हो, तुमको सब पता है, ठीक है। ओके, आगे बात करें। अमेरिकन हिस्टोरियन, अमेरिकन हिस्टोरियन कौन है? बारबरा मेटकाफ, जिनको सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड मिला है 2022 का। तो सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड 2022 किसको मिला है? अमेरिका के एक हिस्टोरियन है बारबरा मेटकाफ, बारबरा मेटकाफ। उसके बाद पीपल ऑफ यूक्रेन एंड देयर प्रेसिडेंट विंस द यूरोपियन पार्लियामेंट का स्कार्जो प्राइज, स्कार्जो प्राइज ऑफ फ्रीडम थॉट्स, स्कार्जो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स किसने जीत लिया है? पीपल ऑफ यूक्रेन और उनके प्रेसिडेंट ने, ठीक है। अब ये सबसे एक इस पे भी देखो बात करने वाली बात है कि यूरोप और अमेरिका पूरी तरीके से पुश कर रहा है यूक्रेन को कि भाई तुम लड़ो, ठीक है, पूरी तरीके से पुश कर रहा है। और ये वही होता ना कि खोखले उसमें हवा भरी जाती है बहुत ज्यादा, वो हवा भर रहे हैं ये लोग। इनको पता है कि अगर इनको लड़ना रशिया से है अमेरिका को, और हवा इनमें भर रहे हैं, बलि के बकरे बन रहे हैं बस ये, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड मिला है इनको? इस स्कार्जो प्राइज मिला है 2022 का, यूरोपियन पार्लियामेंट ने दिया है किनको? पीपल ऑफ यूक्रेन और उनके प्रेसिडेंट को। किस चीज के लिए? स्कार्जो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। गौतम अडानी ने टॉप कर दिया है 2022 की फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडिया 100 रिचेस्ट। मुकेश अंबानी जी 2 नंबर पे हैं। अब गौतम अडानी तो भाई साहब रुकने वाले नहीं है काफी टाइम तक। शिवनादर जी ने टॉप किया है एडल गिव हरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट को। तो फिलेंथ्रोपी लिस्ट में शिवनादर जी ने टॉप कर दिया है। इंडिया के मोस्ट जनरस टाइटल, इंडिया के मोस्ट जनरस टाइटल को उन्होंने क्लेम कर लिया वापस। तो पहले असीम प्रेम जी थे, अब उसके बाद कौन हो गए हैं? शिवनादर जी, ठीक है। अब असीम प्रेम जी 2nd नंबर पे हो गए हैं। तो विप्रो के चेयरमैन है असीम प्रेम जी, HCL के हैं शिवनादर जी, ठीक है। और शिवनादर जी की ही बेटी हैं रोशन नादर, जो इस समय HCL की MD CEO हैं, चेयरमैन है। उत्तर प्रदेश ने बैक करा है द टॉप ऑनर एट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश ने टॉप करा है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु 2nd और 3rd नंबर पे आए। अमाउंट भी याद रख लेना, ये 1161 करोड़ की डोनेशन वाला। हाँ, 1161 करोड़ की डोनेशन दी है शिवनादर जी ने, और अजीम प्रेम जी ने 484। फर्क है भाई, बहुत फर्क है, ठीक है। 1161 करोड़ शिवनादर जी ने दिया है। कर्नाटका बैंक ने जीता है 3रा DX 2022 अवार्ड्स, नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। कर्नाटका बैंक ने जीता है 3rd DX 2022 अवार्ड फॉर नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं। बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और BCCI के ब्रांड, वो कौन बन गए हैं चेयरमैन? BCCI के चेयरमैन कौन बने हैं ये बताइए आप मुझे तब तक। और इधर क्या है, बोल्ट ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड ने शरीफ सैफ अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सैफ अली खान को बोल्ट ने, और सूर्य कुमार यादव को भी बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। किसने? बोल्ट ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड ने, रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी जी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपॉइंट किया है दीपेंद्र सिंह राठौर को एज इंटरिम CEO। पेटीएम पेमेंट बैंक ने इंटरिम CEO बनाया है किसको? दीपेंद्र सिंह राठौर जी को, ठीक है। उसके बाद DY चंद्रचूड़ जी हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 49th चले गए यू ललित जी। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी, सॉरी NV रमन्ना कह रहा हूँ, चंद्रचूड़ जी, जस्टिस DY चंद्रचूड़। इंफोसिस के पुराने चेयरमैन रवि कुमार जी वो कॉग्निजेंट ज्वाइन करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉग्निजेंट अमेरिका, ठीक है। अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप ने अपॉइंट किया है अरुण बंसल जी को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का CEO।
तो अडानी के एयरपोर्ट होल्डिंग्स का सीईओ किसको बनाया है? अरुण बंसल जी को। ठीक है, रॉजर बिन्नी जी आ गए इधर, ये 36वें प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वीडन के पार्लियामेंट ने उल्फ क्रिस्टरसन को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ठीक है, ये मैगडेला एंडरसन जी पहले थी, वो चली गई स्वीडन की, अब कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। जेपी मॉर्गन ने नेम किया है नवीन वाधवानी को अपना हेड ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, जेपी मॉर्गन ने किसको करा है? नवीन वाधवानी जी को। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हेड बनाया गया है। पहले नॉन गांधी प्रेसिडेंट है ये, पिछले 24 साल में, ये 80 साल की इनकी उम्र हो गई है। ठीक है, ये ऐसा लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ SC ST कम्युनिटी का वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो लेट्स सी इफ इट इज ट्रू और नॉट, क्या ही बता सकते हैं इसमें। ठीक है, GSK इंडिया, द बोर्ड ऑफ ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन फार्मास्यूटिकल्स, GSK इंडिया ने अपॉइंट किया है भूषण अक्षिकार को एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, भूषण अक्षिकार को GSK इंडिया ने बनाया, कोई मतलब नहीं उसका। क्रेडिट प्लेटफॉर्म है एक यूबी ने अपॉइंट किया है अतानु चक्रवर्ती जी को एज चेयरमैन। यूबी बैंक काफी आ रहा है न्यूज में, तो याद कर सकते हो कि यूबी बैंक ने अतानु चक्रवर्ती जी को अपना चेयरमैन बनाया है। इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट करा है न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड चेयरमैन ऑफ ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, उन्होंने अपॉइंट करी है न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड चेयरमैन ऑफ किस 2 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के लिए अलग अलग, उसमें किस किस को? शॉन मर्फी जी को चेयरमैन बनाया है और मिशेल लिनो जी को चेयरमैन बनाया है। ठीक है, शॉन मर्फी और मिशेल लिनो। उसके बाद बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने नॉमिनेट करी है 2 डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड। ठीक है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे तो मुझे, पर जी महालिंगम जी और दीपक मोहंती जी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है इस बोर्ड का। ठीक है, कॉरपोरेट अफेयर्स ने। उसके बाद डॉक्टर के पी अश्विनी वैष्णव जी, ये पहली एशियन और पहली इंडियन है जिनको UNHRC की स्पेशल रेपोटियर, क्या होता है ये, स्पेशल रेपोटियर बनाया है। ठीक है, UNHRC के लिए किसको? डॉक्टर के पी अश्विनी, ये कर्नाटका से आती हैं, इनको स्पेशल रेपोटर बनाया है ऑन कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जीनोफोबिया, एलियनिज्म। मतलब जीनोफोबिया का मतलब होता है एलियनाइज से डर, मतलब किसी, कोई अगर आता है आपको लगता है एलियन जैसा, मतलब बाहर से आया अलग बंदा है, तो वो आपको जीनोफोबिया है। ठीक है, तो ऐसे इंटॉलरेंस को फाइट करने के लिए उनका ब्रांड, उनके लिए अपॉइंट किसको किया गया है? डॉक्टर के पी अश्विनी जी को। ठीक है, उसके बाद ये सीनियर ICAS ऑफिसर हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं भारती दास, इनको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। भाई ये CGA बनी है, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, भारती दास, भारत की CGA भारती दास। ठीक है, ओके। उसके बाद फायर बोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फायर बोल्ट ने, चलो अच्छी बात है, लगा बढ़िया है। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के, उनको बनाया गया है प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो के आदित्य L1 मिशन। शंकर सुब्रमण्यन के जी को क्या बनाया गया है? आदित्य L1 मिशन का प्रिंसिपल साइंटिस्ट। ओके, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है जैक्से शाह को एज न्यू चेयरमैन। किसको? जैक्से शाह। और लिज ट्रस रिजाइन कर गई और ऋषि सुनक बन गए, इसमें तो कुछ सबको पता ही है। ठीक है, 45 दिन के लिए आई थी लिज ट्रस जी। अब कुछ एक्विजिशन एंड मर्जर्स की बात होनी है। अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये क्या करने वाला है? ये MRO ऑपरेटर एयरवर्क्स को खरीदेगा 400 करोड़ में। ठीक है, अडानी भाई साहब खरीद खरीद के ही कर रहे हैं, सबको खरीद ले रहे हैं, इतना पैसा मिल रहा है, सबसे लोग खरीदे जा रहे हैं। तो कौन है? MRO ऑपरेटर एयरवर्क्स फॉर ₹400 करोड़। MRO ऑपरेटर मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल यूनिट है, इसको 400 करोड़ में खरीद रहे हैं। ठीक है, एयरवर्क्स की मेंटेनेंस यूनिट को, ठीक है, बढ़िया, खरीद लो। CCI ने अप्रूव किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ वेरियस एंटिटीज एंड इम्पोजेज इतने
करोड़ का मॉनेटरी पेनल्टी ऑन गूगल, ठीक है, किस पे, गूगल पे 1337 करोड़, मतलब 11 के क्यूब के आसपास, मान लो 11 के क्यूब के आसपास का इन्होंने पैसा दिया है, मतलब फाइन लगाया है इनके ऊपर। सीमेंट सोलर विंड डिफेंस, सीमेंट सोलर विंड डिफेंस, हाँ सब ले लिया, सब ले लिया भाई, सही कह रहा तुम। इन्वेस्को, इन्वेस्को ने सेल करा है अपना, नहीं कोई मतलब नहीं। जी में, जी जो एंटरटेनमेंट है ना, उसमें अपना 6% स्टेक बेच दिया है 1400 करोड़ रुपए में, ठीक है। चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आईएनएस अरिहंत सक्सेसफुली लॉन्चेस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। आईएनएस अरिहंत ने, इंडियन नेवल शिप अरिहंत ने सक्सेसफुली लॉन्च करा है एक सबमरीन और लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। टोयोटा ने इंट्रोड्यूस करी है इंडिया की, ये तो हमें पता ही था, टोयोटा ने पिछले हफ्ते ही पढ़ा था, टोयोटा ने इंट्रोड्यूस करी है इंडिया की फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये 100% इथेनॉल पे काम कर सकती है, ठीक है। ये ब्राजील की मदद से बनाई है इन्होंने, ब्राजील की हेल्प लेके। तो क्या ये फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टोयोटा ने इंट्रोड्यूस करी है ब्राजील की मदद से। चाइना ने लॉन्च करा है पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी टू सॉल्व मिस्ट्री ऑफ सन के इरप्शंस को वो करने के लिए, डिकोड करने के लिए चाइना ने पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाई है, ठीक है, जिसका निकनेम क्या है, कुआफू वन किसकी है, चाइना की है, ठीक है, ओके। उसके आगे बात करते हैं, मां भारती के सपूत, ये ऐसी लेके आते हैं स्कीम्स राजनाथ सिंह जी, मां भारती के सपूत, ठीक है। ये क्या है, ये एक वेबसाइट है फॉर फंडिंग इन, ये AFBCWF क्या है, आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। अच्छा, जो आर्म, अच्छा जो बैटल में कैजुअलिटीज होती है ना आर्म फोर्सेस पर्सनल्स की, उनके वेलफेयर के फंड के लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है ताकि उस पर फंडिंग आ सके। तो उसका वेबसाइट का नाम क्या रखा है, माँ भारती के सपूत। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन बताओ, पैसेंजर वाला फ्लाइंग टैक्सी ना, टैक्सी EV200, वही पूछ रहे हो ना, EVTOL ने बोली बनाई थी मेरे हिसाब से, तो वही पूछ रहे हो शायद तुम, EV200 पैसेंजर ड्रोन है वो, ये दिल्ली में लॉन्च करा था उन्होंने, है ना, जल्दी बताओ सही है कि नहीं। इसरो इज सेट टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन जून 2023 में चंद्रयान 3 निकल लेगा यहां से, ठीक है। उसके बाद क्या, कौन सा, EV200 ना व्हीकल का ही नाम है, EV200 लाइव, क्या पूछ रही है कांशा राजपूत जी, लाइव तो हुई। आईआईटी मद्रास और नासा रिसर्चर्स ने स्टडी करी है फॉर माइक्रोबियल इंटरेक्शंस इन स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन में माइक्रोबियल इंटरेक्शंस है ना, उसको स्टडी करने के लिए नासा ने आईआईटी मद्रास से पार्टनरशिप करी है। वरुण था यार, पैसेंजर वाला वरुण थोड़ी ना था यार, चेक कर लें, तुम बता तो रही नहीं हो, चेक ही कर लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट ये पैसे, वरुण है ओके। अच्छा, वो पहली फ्लाइंग टैक्सी थी जो मैं बता रहा हूँ, 130 किलो का वजन उठा सकता है और आधा घंटा ट्रैवल कर सकता है 25 मिनट तक, है ना, 25 मिनट तक ट्रैवल कर सकता है, टॉप स्पीड भी 25 के आसपास ही है उसकी, ऐसा ही है ना, चेंज है तो बताओ। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है नई जनरेशन की न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, बढ़िया बात है, करने दो। एनवायरमेंट, ये सर्बियन साइंटिस्ट नेम्ड न्यू स्पीशी ऑफ बीटल, एक बीटल है
तो सर्बिया के साइंटिस्ट ने तो सर्बियन टेनिस लेजेंड के नाम पर रख दिया, नोवाक जोकोविच के नाम पे, बीटल का नाम। ठीक है, एक नई स्पीशी है ऑफ ग्रास हॉपर, ठीक है, उसका नाम क्या रखा है, ड्राइविड ड्रैकस एनामलाइका। ठीक है, ओके, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। 36 नेशनल गेम्स 2022 हुए, ठीक है, सर्विसेज स्टॉप्स फॉर फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम। सर्विसेज स्टॉप्स, व्हाट इज दिस सर्विसेज स्टॉप्स। 36 नेशनल गेम्स 2022 हुए, ठीक है, आफ्टर गैप ऑफ 7 ईयर्स 36वें नेशनल गेम्स हुए सितंबर 29 से लेकर अक्टूबर 12 तक। ठीक है, वो मोदी जी ने इनोग्रेट करे थे कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये गेम्स हुए थे यहाँ पे, और ये 6 सिटीज में हुए थे, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में। 37 साइकिल जो है अब वो गोवा में होगी। मैस्कॉट क्या था, सावज था, ठीक है, लायन का कब। एंथम था एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, थीम क्या थी, स्पिरिट ऑफ जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। सिंगर कौन थे, सुखविंदर सिंह। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। टॉप 5 रैंकर, सर्विसेज, दूसरी महाराष्ट्र, तीसरी हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु। सर्विसेज की टीम है, समझ गया। हाँ चलो बढ़िया है, जो भी है। क्रिकेट इंडिया ने जीत लिया है, वुमेन्स हैं इंडिया, हाँ वुमेन्स, यार मैं तो एकदम उसमें चला गया था, इंडिया जीत लिया एशिया कप। अरे इंडियन वुमेन्स ने एशिया कप जीत लिया श्रीलंका को हराते हुए, ठीक है, ये उनका 7वां एशिया कप है, और बहुत गंदा हराया था, मैच देखा था मैंने ये, ठीक है, ओके, 8 विकेट हरा दिया। अब क्या 102 या 103 रन कुछ ऐसे बना पाए थे उनने, रन भी नहीं बना पाए थे कुछ श्रीलंका वालों ने। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुई, और रेणुका सिंह प्लेयर ऑफ द मैच हुई फाइनल की, 4 विकेट लिए थे। उसके बाद कतर, कतर होस्ट करेगा 2023 का AFC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप, कतर में होस्ट होएगा। इंडिया और सऊदी अरेबिया 2027 का होस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया। देखो जहां तक सऊदी अरेबिया को ही मिलेगा, इंडिया को मिलना मुश्किल है। ज्योति याराजी बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लॉक sub 13 seconds इन 100 मीटर हर्डल्स। ओके, ज्योति याराजी ने 13 सेकंड में 100 मीटर्स निकाल दिए, जो हर्डल वाली रेस होती है, ठीक है, ओके। 61st एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल ओपन में हो रहा था ये, बेंगलुरु कर्नाटका में, 12.82 सेकंड्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है 100 मीटर के हर्डल को, और अपना प्रीवियस बेस्ट 13 सेकंड वाले को बीट कर दिया। गुड, फीफा ने अनवील किया है अपना मैस्कॉट फॉर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में जो होएगा, तजुनी। ये होएगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होएगा, तो उसके लिए जो उनका मैस्कॉट है वो क्या है, तजुनी, तजुनी। तजुनी इज अ फ्यूजन ऑफ तस्मान सी एंड द होम ऑफ पेंगुइन्स एंड यूनिटी। तस्मान सी होम ऑफ पेंगुइन्स है, और यूनिटी को मिक्स करते हुए तजुनी किसका है, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स वाला, वो होएगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में होगा, चौथा कहाँ पे हुआ था ये बताइए आप मुझे, चौथा हुआ कहाँ पे था और जीता कौन था। तो 5वां तो होएगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में होएगा। ओके, कुछ ऑब्विचरीज हैं, एक्टर हैं एक रॉबी कॉल्ट्रेन, हैरी पॉटर के हैग्रिड, हैरी पॉटर हैग्रिड, मुझे याद नहीं है मैंने यार हैरी पॉटर फिल्म। अच्छा वो उसका भाई क्या, नहीं दोस्त 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 जो था उसमें, अब चलो जो भी है, हैग्रिड वैग्रिड चलेगा चलेगा, ठीक है। एक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन हैरी पॉटर के हैग्रिड की डेथ हो गई। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ये पायनियर थे ओरल रिहाइड्रेशन में, थेरेपी में, इनकी डेथ हो गई है, हरियाणा में थी और हरियाणा ने टॉप करा था। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें, द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, ये बॉब डिलन जी की है, ठीक है, और एक बुक है जीवितम नियमन, ये कोई मतलब नहीं, द कॉर्बेट पेपर बायोलॉजिकल लीगल एंड कंडक्शन नहीं आएगी, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये नहीं आ रही है यार किताब,
कंफ्यूज माइंड स्टोरी आ सकती है एक बार को। साहिल सेठ ये IRS ऑफिसर है, ठीक है, साहिल सेठ जी, उनकी है कंफ्यूज माइंड स्टोरी। बुक टाइटल फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडिया राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। ऑथर है इनके डॉक्टर बिमल जालान जी। ये है बढ़िया किताब, ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI हैं बिमल जालान जी, इनकी किताब है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, जो हम बात कर रहे थे ना जो 5G और 4G की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी हम इंडिपेंडेंट होने की बातें कर रहे हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंसी पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडिया राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, किसकी किताब है, बिमल जालान जी की किताब है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन अक्टूबर 15 को, थीम थी रूरल वुमेन कन्फ्रंट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी 17 अक्टूबर को, पावर्टी निकाल दो बाहर, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, किसकी है, ये पॉवर्टी को इरेडिकेट करने वाले दिन की थीम है 17 अक्टूबर की, ठीक है। स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को, फूड डे 16 अक्टूबर को, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है, उनकी थीम थी। ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को, ओके, ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डे 21 अक्टूबर को, और ओस्टियोपोरोसिस ये 20 अक्टूबर को, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, तो ये 20 अक्टूबर को। पुलिस कॉमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को, इंटरनेशनल शेफ्स डे 20 अक्टूबर को, ठीक है, इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को। यार मेरे ने कभी भी आज तक मेरे को ये याद नहीं हुए हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ कुछ कभी कभी सही हो जाते हैं, बट अगर इजी ऑप्शंस आ जाते तो हो जाता है। स्टेट न्यूज़ की बात करें, नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो जी, ठीक है, उन्होंने लॉन्च करा है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करी है नागालैंड के CM नेफ्यू रियो जी ने। नाम क्या है इसका, चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कहाँ पे, कोहिमा में लॉन्च करी है नागालैंड में AFSPA एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है नागालैंड के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो कब तक के लिए हुआ है वो सीज फायर एग्रीमेंट, कितने साल तक के लिए बढ़ा है, अक्टूबर 2022 में होना था खत्म, पर फिर बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए, अक्टूबर 2023 तक के लिए या 24 तक के लिए, ये बताओ। असम गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है, असम गवर्नमेंट साइन 7 MOU एंड MOUs विद इंडस्ट्रियल पार्टनर्स फॉर स्टेट डेवलपमेंट, कोई मतलब नहीं। CII और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च प्रोजेक्ट वायु अमृत इन संगरूर। जब डेट याद करके जाओ, थीम देते हैं, थीम तब डेट, हाँ, एक दो दिन नंबर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, जितना याद हो जाए उतना ठीक है, ओके। CII और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च प्रोजेक्ट वायु अमृत, कहाँ पे, पंजाब के संगरूर में, ठीक है, वायु अमृत पंजाब के संगरूर में लॉन्च करी है CII ने इंडियन ऑयल के साथ मिलकर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था नागालैंड में कब तक के लिए, विशाल 2023, हाँ परफेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा अक्टूबर का तीसरा वाला वीक, बहुत टाइम लगा है आई नो, पर क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था, मैं रिवाइज नहीं कर रहा था, मैं पढ़ रहा था पहली बार ऐसा, तो टाइम लगना वाजिब था, 1.5 घंटा लगा है, इमेजिन 1.5 घंटा, ओके, 1:15 बज गया है। अगला हफ्ता कंप्लीट करना है अभी, बताओ जल्दी, छोटा होएगा वैसे, चौथा हफ्ता हमेशा छोटा होता है, इसमें देखते हैं कितना छोटा कितना बड़ा है। चौबीस पन्ने हैं, मतलब 20 पन्ने ही मानो, एक हिसाब से मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, आराम करेंगे तो। यस, मिको प्रीमॉक भी देना है, डिस्क्रिप्टिव भी करना है, तो करना है कि नहीं करना है, इसको करना है कि नहीं करना है ये बताइए। तुमको तो बहुत कुछ करना है, इस वाली PDF को अभी करना है या फिर बाद में करना है, अभी करना है। आप जो 3-4 लोग और हैं, एक बारी यस या नो बोल दीजिए, इस एक लड़के के लिए मैं रात भर जगूं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कर लेंगे।
तुम भी कह रहे हो, एक दो लोग और हैं वो भी बता दो जरा, और अभी जरा 2 मिनट का गैप है, तब तक आप लोग बताएं मुझे कि आपको ये वाला वीक करना है या नहीं करना है। पानी पी लो, कितना समझदार लड़का, कह रहा पानी पियो और पढ़ाओ। बहुत सही, पानी पियो और पढ़ते रहो, तरीका बढ़िया है। बाकी कोई रिप्लाई करता नहीं, हमको तो ऐसा लगता, रिप्लाई करने में क्या होता, उंगलियां घिस जाती हैं, मैसेज डाल दो है, बताओ करना है कि नहीं करना, तुम फिर बीच में भाग जाओगे तुम लोग, है ना। फिर एक दो लोग बचेंगे देखते हुए। बॉट है बाकी, बॉट्स। मिनट का गैप है, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। बोल बोल के गला खुश हो गया मेरा। यार विशाल, यार आज के पेपर में यार मॉक में नंबर तो बहुत कम आए यार मेरे, उसमें रीजनिंग में वो एक तो पजल फंस गई, पजल वाले 6 नंबर बढ़ सकते थे तो 20 नंबर तक आ सकते थे अगर 2 मिनट और सही से मैनेज कर लेता मैं तो, क्योंकि पजल सॉल्व तो हो ही गई थी। तुम्हें 30 आ रहे थे मॉक से, बस बैठना सीखो एग्जाम में। तुम तो भैया ऑप्टिमिस्टिक आदमी हो एकदम, जिमर बोई। ऑप्टिमिज्म तो रखना चाहिए, लेकिन रिमेनिंग डेज का, नवंबर के 2 बचे हैं, नवंबर के 2 हफ्ते बचे हैं, कल खत्म, नवंबर के 2 हफ्ते कल खत्म हो जाएंगे। कल तारीख कितनी है, 21 तारीख है, मतलब आज ही 21 तारीख हो गई, 21 तारीख को ही खत्म हो जाएगा सब। फिर उसके बाद कल मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, नवंबर वाले की सेशन नहीं लूंगा, ठीक है। एक बार खुद पढ़ूंगा फिर उसकी जल्दी से वीडियो बना के उस पर डाल दूंगा। अच्छा, उसके बाद की, उसके बाद का ये सीन है कि मैंने प्लान किया है कि एक तो मॉक लगाना है लाइव, लाइव मॉक लगाऊंगा, और स्मार्ट कीड़ा के खत्म हो गए हैं तो टेस्ट बुक का लगाऊंगा, ठीक है। एक लाइव मॉक लगाऊंगा उसका, और उसके अलावा अब मुझे एक तो ये सारी वीडियोज हैं इनको रिवाइज करूंगा, इनसे भी मैं भी इनसे ही रिवाइज करूंगा, है ना। अपनी वीडियो बनाई है अपने से रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर PDF से रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स को, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, तो सेशन तो इनमें से किसी चीज़ का सेशन तो होता दिख नहीं रहा, तो सेशन अगर होएगा तो उसका होएगा जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक वो PDF शेयर किया ना, उसकी IUPSPO की पिछले 6 महीने की कंपाइल्ड PDF दी है उसने, क्या नाम उसका, अफेयर्स क्लाउड ने, तो उसको एक बार मैं खुद पढ़ूंगा, और फिर एक बार उसको रिवाइज जब करूंगा तो सेशन करूंगा। तो मतलब आप ये मानो कि 21 को कल एक आखिरी सेशन है, फिर कल सेशन भी होगा, कल वो भी होगी मॉक भी होएगा, 22 23 को कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 24 तारीख को वो वाली PDF पूरी आएगी, एक डिस्क्रिप्टिव का मॉक आएगा, और अगर टाइम रहा तो वो भी आएगी, मॉक भी आएगा 24 को। बट मॉक का टाइम, मॉक का मुश्किल है, बट एग्जाम PDF IUPSPO मेंस वाली और एक डिस्क्रिप्टिव की वो जरूर आएगी वीडियो, ठीक है। हाँ एग्जाम PDF पूरी भाई साहब 170 पन्ने की, कम से कम 6 से 7 घंटे का सेशन लूंगा मैं वो। सुबह अपना आराम से मेरे साथ बैठना आके, अगर तुम लोगों को कुछ और रिवाइज करना है तो करना आराम से, ठीक है, कोई वो नहीं। जितने लोग आते जिनका मन हो कि भाई आना, आराम से रिवाइज करेंगे, बातें करेंगे, और आखिरी टाइम है रिवाइज ही करेंगे, ठीक है, पूरी पूरी करेंगे, कम से कम 6 7 घंटे आराम से। मान लो, ऐसे मान लो 170 पेजेस हैं, 170 पेजेस में नेट इफेक्टिव 160 पेजेस तो होंगे ही होंगे करने के लिए, तो हर पेज पे अगर मैं कितने मिनट, हर पेज पे अगर मैं 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट भी देता हूँ तब भी मान लो 5 घंटे का हो गया, और कम से कम 7 7 8 घंटे का जाएगा, 7 8 घंटे का सेशन जाएगा। सुबह बैठेंगे शाम को खत्म करूंगा एकदम, बहुत लंबा उठूंगा ही नहीं तब तक, मन तो मेरा यही है।
उसी में बीच में खाते पीते रहेंगे। चलो बहुत टाइम हो गया, अब शुरू करते हैं, वरना जो तीन चार लोग जो बातें नहीं कर रहे हैं वो कहेंगे कि अब हटो, बहुत हो गया इसका। सुबह सुबह मेंस रख दिया है इतनी। हाँ यार, अरे तुम लोगों को बताया नहीं मैं, क्या मैंने भाई, मेरी बहुत गंदी हालत है समझ लो तुम। 25th को मेरे एक दोस्त की शादी है, ठीक है, लखनऊ में शादी है। 26th को सुबह मेरा पेपर है, और दोस्त मेरा अजीज और जिससे शादी है वो भी दोस्त मेरी अजीज, और सोचो मेरे दो दोस्तों की शादी है एक ही दिन पे, और मैं उस दिन जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को 26 तारीख को सुबह पेपर देने जाना है कानपुर में, और लखनऊ में शादी है। भाई साहब ये हालत है मेरी, अगर दिन में पेपर कर दिया होता कसम से पहुंच जाता भाई मैं, पर रात वाला यार अब शादी है, नाच गाना होना ही होना, और उतने बीच में अगर टाइम निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उनको बोलो शादी पोस्टपोन करें, माना हम ठीक हैं जान पहचान के लिए अच्छे हैं, पर शादी पोस्टपोन करने की उनकी खुद की वो नहीं है हिम्मत, मतलब इतनी ताकत उनमें भी खुद भी नहीं है, घर वाले सेट करते हैं ये सब। हाँ वही सब करना पड़ेगा, बाद में पार्टी ले लेना भाई साहब। पार्टी क्यों मिलेगी, गालियां मिलेंगी, गालियां समझ रहे हो, गालियां। I'll be abused like hell if I'll not go, and the possibility is कि I won't be able to go। बहुत गालियां मिल रही हैं ऑलरेडी यार। हाँ मैं कर रहा हूँ शादी, आजा नाच ले आके चैंट। चल अब चलो शुरू करते हैं, बहुत देर बहुत गैप ले लिया। इट हैज बिन लाइक कितना गैप ले लिया मैंने, एक 24 पे करा था, 8 मिनट का गैप हो चुका है। अब शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स, ठीक है। मोदी जी ने लॉन्च करा है पहला फेज ऑफ रोजगार मेला टू प्रोवाइड 10 लाख जॉब्स फॉर यूथ इन सेंट्रल गवर्नमेंट। रोजगार मेला उन्होंने इनॉग्रेट करा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, ओके। इससे 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे ये, ओके 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 ओके। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक कमेटी सेटअप करी है, कमेटी फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्डिंग एस्टिमेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वेदर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक कमेटी बनाई है, किसके लिए, कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्ड होता है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप कैसी बनेगी, क्रॉप का एस्टिमेट करेंगे कि कैसी क्रॉप जाएगी उसका, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वेदर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम PDF 369 पेज की नहीं है यार, 169 पेज की है। तुम IPS PU मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने ग्रुप पे शेयर करी है, दिखाऊं क्या, दिखा देता हूँ, कितनी कितनी देर लगेगी, एक मिनट लगेगा। सेव मैसेज, ओके, इसमें भेजिए ना, इसमें भेजी होगी, प्रिंट मैसेजेस में। अक्टूबर 4th वीक, सितंबर 4th वीक, अगस्त, जुलाई, जून, उसके बाद ये सेशंस हो गए, ये रहे IPSPU मेंस की PDF, ठीक है। वन सिक्सटी नाइन पेजेस, कैन यू सी दिस मबूई, अब क्या देख सकते हैं आप, आशीष अरोड़ा सर का फ्री बैच। अरे अब देखो सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, कि आप जो चीजें करो वो पूरी करो, उनको इधर उधर देखने लगा मैं तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं, जो मैं इसको करूंगा मैं इसको पूरा करूंगा, लेकिन तो यही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े,
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने सेटअप करी एक कमेटी फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन और वेदर डेटा के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक कमेटी बनाई है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। इस कमेटी को हेड कौन करेंगे? डायरेक्टर ऑफ महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर कौन है? CS मूर्ति जी, वो इसको हेड करेंगे। फिर नोवार्टिस क्या है? नोवार्टिस है क्या? एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है, अमेरिकन नोवार्टिस। उसने क्या किया है? उसने साइन किया है दुनिया की पहली लाइसेंसिंग डील फॉर कैंसर के ड्रग के लिए एक डील साइन करी है। क्या नाम है इसका? निलोटिनेब ये ड्रग का नाम है, ठीक है। ग्रीनको और कैपल ने एमओयू साइन किया है, ठीक है। उसमें क्या है कि इंडिया टू एक्सपोर्ट ग्रीन एनर्जी टू सिंगापुर फ्रॉम 2025 से हम सिंगापुर को ग्रीन एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो क्या है ग्रीन एनर्जी? ग्रीन अमोनिया और रिन्यूएबल एनर्जी को हम सिंगापुर को देंगे, ठीक है। 2025 से शुरू कर देंगे। किस किस की पार्टनरशिप है? ग्रीनको की कैपल के साथ। अब बात करते हैं NIIO, क्या है ये? ये है नेवल इनोवेशन। अरे भैया बफर हो रहा है, अचानक से दिख जाता है बफर। स्टॉप स्क्रीन, कोई बात नहीं, आ जाएगी, टाइम नहीं लगता, अब आएगी। राय टू जी, 6 महीना इस कोम्पोसूरी, ठीक है। NIIO नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन नेवी की है। और ड्रोन फेडरेशन, इन्होंने पार्टनरशिप करी है, ये प्रमोट करेंगे इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी को। कौन कौन? ये नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन नेवी की, उसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है कि इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करो, ठीक है। गुजरात का मोढेरा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी बन गया है। नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी बाय मीटिंग इट्स 100% एनर्जी रिक्वायरमेंट यूजिंग सोलर पावर से पूरी एनर्जी ले लेगा ये। कौन? गुजरात का मोढेरा, इसको सन विलेज बोला गया है, ठीक है। और टाइगर ट्रंप इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। और युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ है, जरा ये बताओ? युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस का युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ है? उसके बाद DGCA ने ग्रांट करा है एरोड्रोम लाइसेंस उड़ीसा के जयपुर एयरपोर्ट को। उड़ीसा में है जयपुर एयरपोर्ट, ठीक है। उसको एरोड्रोम लाइसेंस दिया है किसने? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जी ने, ठीक है। उसके बाद मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच लक्षद्वीप का है, इनको ब्लू फ्लैग मिल गया है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग मिल गया इनको। अब इसके अंतर्गत क्या हो गया? दे कंप्लाई विद 33 क्राइटेरिया जो कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क ने बताए हैं। तो इसके साथ इंडिया के टोटल बीचेस कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं जो इनको, जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। ओली में करा रहे हो? उत्तराखंड ओली में नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, चेक करो दोबारा से। उसके बाद DGCA ने एरोड्रोम लाइसेंस इन्होंने इसको भी दे दिया, मोपा एयरपोर्ट गोवा। तो जयपुर एयरपोर्ट तो उसका हो गया, क्या नाम, उड़ीसा का, और मोपा एयरपोर्ट गोवा का हो गया जिनको एरोड्रोम लाइसेंस मिला है। चेक करो विशाल, जरा उधर नेट पे चेक करके बताओ। मेरे को लग रहा है हिमाचल प्रदेश का बकलोह है, वहाँ पे हुई है। और अगर ओली में हुई है तो मेरे को याद, ये बता दो कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में कौन सी हुई है, और ओली याद कर लूँगा मैं।
जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है, तेराई एलिफेंट रिजर्व यूपी में है, ये 33 एलिफेंट रिजर्व बना है इंडिया का, और सेकंड एलिफेंट रिजर्व है यूपी का। ठीक है, उत्तराखंड में कहां पे है? शिप रॉकेट बिकम्स फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर टू ज्वाइन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क। शिप रॉकेट पहला इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर बना है टू ज्वाइन ONDC का नेटवर्क। किसने? शिप रॉकेट ने ज्वाइन करा है। ठीक है, इंडिया ने 5.4% का इनकम लॉस ऑफ GDP सफर करा है हीट वेव की वजह से 2021 की। अच्छा, वज्रपात हुई है हिमाचल में, हिमाचल के बकलोह में, और युद्ध अभ्यास हुआ है उत्तराखंड के औली में, ऐसा बोल रहे हो ना? ओके, मैकेंसे एंड कंपनी रिपोर्ट, इंडिया शुड एक्सेलरेट ग्रीन इन्वेस्टमेंट टू 12.1 ट्रिलियन US बाई 2050। ओके ठीक है, हमको ग्रीन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा 12.1 ट्रिलियन डॉलर बाई 2050। ठीक है, मैकेंसे कंपनी ने बोला है। थर्ड, एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये क्या है? उसके बाद NHIDCL, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने MOU साइन किया है NIT सिलचर के साथ फॉर इनोवेशन इन हाईवेज। अभी इन्होंने पटना के साथ भी करा था कुछ टाइम पहले, अभी इन्होंने सिलचर के साथ, असम के साथ भी कर लिया। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात में हुआ, मोदी जी करके आए। ठीक है, हार्दिक पांडे वाला करके नहीं आए, मोदी जी करके आए इनॉग्रेट। ओह शिट, कितने गंदे जोक मार रहा हूँ। पाथ टू प्राइड इसकी थीम थी। ठीक है, आप अफेयर्स क्लाउड का बैंकिंग अवेयरनेस PDF कराते हो, 100+ पेज का जो रहता ही नहीं कराता हूँ मैं, पूरा कराता हूँ यार, ये जो पूरी वीकली वाली आती है वही करते हैं, वही करते रहते हैं। सिम्बेक्स क्या है? सिंगापुर और इंडिया का है, सिंगापुर और इंडिया की है। ठीक है, मरीटाइम एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, विशाखापट्टनम में सिम्बेक्स, सिंगापुर और इंडिया ना सिर्फ, हाँ सिम्बेक्स। उसके बाद बायलिटरल एक्सरसाइज गरुड़ा 7th कहाँ पे हुई है? जोधपुर में हुई है। गरुड़ा कहाँ पे हुई है? जोधपुर में। ठीक है, ये हाँ जोधपुर में हुई है गरुड़ा, जोधपुर राजस्थान। ओके फाइन, इंडिया और फ्रांस की है गरुड़, ये तो पता ही है। और गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो हुआ था। ये मनोज सिन्हा जी जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। उन्होंने इनॉग्रेट करा है 3 हफ्ते का कल्चरल फेस्टिवल, 3 हफ्ते लंबा कल्चरल फेस्टिवल जिसका नाम जश्न कश्मीर। का है भैया विशाल, जश्न कश्मीर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तुम? जश्न कश्मीर कश्मीर में हो रहा है, 3 हफ्ते का है, मनोज सिन्हा जी करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रूरल डेवलपमेंट के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते। उन्होंने इनॉग्रेट करा है सरस फूड फेस्टिवल, तो एकदम सरस मतलब बढ़िया फूड फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, किसने इनॉग्रेट करा पहले तो ये, फग्गन सिंह कुलस्ते, और ये हो कहाँ पे रहा है बता ही नहीं रहे, स्टेट कैपिटल्स में होता रहेगा। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बोला है कि सभी स्टेट कैपिटल्स में कराओ इसे। ठीक है, सरस फूड फेस्टिवल। ठीक है, ओके 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 ओके, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है ना ये, जश्न कश्मीर करूंगा तो जॉब कोई और ले जाएगा। बात तो सही है यार, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है यार, अगर वैकेंसी अच्छी है यार हो जाना चाहिए यार, होपफुली सबका हो जाए यार, हम सबका। WHO ने रिलीज करी है फर्स्ट एवर WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस की लिस्ट। तो फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट लॉन्च करी है किसने? WHO ने फर्स्ट एवर लॉन्च करी है। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, टेड्रोस अदनोम गेब्रियल ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है ग्लोबल एमिशंस टू पीक इन
2025 कि भाई ग्लोबल एमिशन जो है ना वो 2025 में पीक करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा तब होंगे। जो 3G पूछ रहे थे भाई, रिवाइज कर रहे हो या याद कर रहे हो? मैं ना रिवाइज कर रहा हूँ ना याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और साथ साथ में आप सब लोग भी पढ़ रहे हो मेरे साथ। ठीक है, यूनिसेफ यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि 2050 तक हर बच्चा ग्लोब में, जो हर बच्चा है वो सीवियर हीट वेव से भाई सफर करेगा, सीवियर हीट वेव से सफर करेगा। ठीक है, कौन कौन करेगा? हर बच्चा 2050 तक, यूनिसेफ की लिस्ट है ये। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है कि क्लाइमेट प्लान्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर रिमेन्स अनसफिशियंट। उनने कहा है कि जो तुम हरकतें कर रहे हो कोई काम नहीं आ रही, बदलो उन्हें। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट इमर्जेज एज दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट। इंडिया में तो एक नंबर होएगा फिर ये। ठीक है, ओके, इंडिया में एक नंबर है। ओके ओके, लिखा नहीं है लेकिन, हाँ लिखा तो नहीं है, बदतमीज आदमी। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस टीबी रिपोर्ट, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 की आई है कि जो टीबी के केसेस हैं वो बढ़ने लगे हैं पहली बार इन ईयर, राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स इन 2021। ठीक है, बढ़े हैं तो क्या बात करें। तो 2022 की रिपोर्ट आई है 2021 के डाटा को दिखाते हुए कि करीबन 10.5 मिलियन लोग जो हैं वो टीबी से ग्रस्त हुए। ठीक है, और 4.5% राइज हुआ है 2020 से 2021 में। फंगल रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी सिडनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फंगल रिपोर्ट में जो इसकी WHO ने दी थी, WHO फंगल रिपोर्ट की प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट में है। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। भाई WHO इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इम्पोर्टेंट नहीं है, WHO इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 10वें नंबर पे तो है ही, लेकिन एक ही तो है दिल्ली एयरपोर्ट, वही तो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और थोड़ी ना कोई है, वही है एक ही ना। इंडिया की पर कैपिटा, इंडिया की पर कैपिटा ये क्या है? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो बिलो दी वर्ल्ड एवरेज ऑफ 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड। UNEP ने बोला है कि इंडिया वाले कम एमिशन कर रहे हैं इसका, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, ओके, इंडिया के कितने हैं? 2.4 टन है, इनका 6.3 टन है। तभी मोदी जी जाके बोल देते हैं वहां पे है कि भाई सर तुम लोग ज्यादा कर रहे हो, हमारा तो सब फिर भी सही चल रहा है, और फिर भी हम क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 7वें नंबर पे आते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद इंडियन बैंक, इंडियन बैंक ने रोल आउट किया है डिजिटल इनिशिएटिव्स अंडर प्रोजेक्ट वेव। प्रोजेक्ट वेव क्या है? प्रोजेक्ट वेव है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, एक दुनिया अद्भुत वर्चुअल एक्सपीरियंस उसकी। ठीक है, उसको रोल आउट किया है किसने? इंडियन बैंक ने, इंडियन बैंक ने ये डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च करा है, अ वर्ल्ड ऑफ एडवांस विजुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसमें वो क्या करेंगे, इसमें इन्होंने टाइप करा है सोमपो जनरल इंश्योरेंस के साथ। इंडियन बैंक ने सोमपो जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसमें वो 2 और 3 व्हीलर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे, बढ़िया है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है बीमा सुगम पोर्टल, बीमा सुगम पोर्टल को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। बीमा सुगम पोर्टल ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है दैट विल हाउस ऑल कंपनीज जो कि लाइफ लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं। ठीक है, बीमा सुगम पोर्टल, IRDAI ने बोला है कि मस्त करो इस काम को तुम, बढ़िया आगे बढ़ाओ। और IRDAI ने ही सेटअप करा है एक कंसल्टेटिव कमेटी टू इंक्रीज हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अच्छा, एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है, कि एक कमेटी बनाई है जो कंसल्ट करेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस को जो है कितना कैसे और बेच सकते हैं इंडिया के लोगों को। ठीक, 15 मेंबर की कमेटी है, 2 साल के लिए काम करेगी। राकेश जोशी जी जो इस एक मेंबर है IRDAI के, इसके हेड बन गए हैं राकेश जोशी जी। ठीक है, IRDAI के चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा जी। ठीक
हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है, 1999 में बनी थी ये। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इसने लॉन्च करा है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस का पेपर नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ ये तुम सही कह रहे हो, यूएसए टॉपर है, वो भी तो याद रखना पड़ेगा। इसमें एक नंबर पे कौन सा है, अटलांटा का हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक नंबर पे है, दुबई वाला 3 नंबर पे है। ओके, अटलांटा यूएसए का 1 नंबर, दुबई इंटरनेशनल 3 नंबर। हमें तो लगा था कतर का हमाद होएगा 1 नंबर पे, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद IRDAI ने इस्टेब्लिश करी है 24 मेंबर का पैनल टू डेवलप रूरल इंश्योरेंस कवर, इसको हेड करेंगे थॉमस एम देवसिया जी के अंतर्गत एक 24 लोगों का पैनल बनाया गया है, वो डेवलप करेगा रूरल इंश्योरेंस कवर को। ठीक है, RBI ने तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक और धनलक्ष्मी बैंक के जो कुछ नई नई ब्रांचें थी उनके ऊपर से बैन हटा दिया है, कुछ मतलब नहीं है उससे, बैन हटाने से कोई मतलब नहीं, बैन लगाने से मतलब है। विशाल कह रहे हो तुम दुबई 2 नंबर पे, दुबई 3 नंबर पे है, अरे यार क्या पढ़ना हूँ, नींद आ रही है। सही कहा तुमने, बता दिया, ध्यान नहीं दिया, उन्हें ध्यान जाता नहीं मेरा। ओके, इस बार की रैंक ये है, उधर की रैंक पहले वाली है। तो 2022 की रैंक है अटलांटा की 1 नंबर, दुबई की 2 नंबर, टोक्यो की 3 नंबर। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। RBI ने वो हटा दिया, ओके, नरेट को, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने सेटअप करा है NFC। क्या है ये, नरेट को फाइनेंस कमेटी सेटअप करी है टू सपोर्ट लार्ज स्केल डेवलपर्स विद फंड। 24th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी इनकी, ठीक है, उसके अंतर्गत इन्होंने लॉन्च करा है टू सेटअप NFC सेट करेंगे। ठीक है, नरेटको की फाइनेंस कमेटी टू सपोर्ट लार्ज स्केल डेवलपर्स विद फंड्स। सेबी ने एक्सटेंड करी है डेडलाइन फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रांजेक्शन्स, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं उनकी ट्रांजेक्शन के लिए सेबी ने कहा है कि 1 मई 2023 तक उनकी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, कट्स फेस वैल्यू फॉर डेट इशूज टू 1 लाख। ठीक है, जो डेट इशूज की जो फेस वैल्यू उसको 1 लाख तक कट करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं हो जाए। ठीक है, बस ये पता है कि ETF ट्रांजेक्शन के लिए 1 मई 2023 तक का टाइम दिया है सेबी ने। टाटा AIA लाइफ और मेडिक्स ने पार्टनरशिप करा है टू ऑफर स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल इलनेस कवर, टाटा AIA ने मेडिक्स के साथ। ठीक है, टाटा AIA के MD CEO कौन है, नवीन तहलियानी। इन्फीबीम एवेन्यूज रिसीव्स RBI का अप्रूवल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, इन्फीबीम को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है RBI का, इंपॉर्टेंट है। हेल्दी श्योर और मणिपाल सिन्हा हेल्थ पार्टनर्स टू लॉन्च इंडिया का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला फ्लैक्सी टॉप इंश्योरेंस। तो इंडिया का पहला फ्लैक्सी टॉप इंश्योरेंस है जो कि एम्प्लॉयज को अलाउ करेगा फॉर पर्सनलाइज्ड एंड अपग्रेड देयर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। किस किस का, हेल्दी श्योर और मणिपाल सिन्हा का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, आगे बढ़े। सेबी क्लियर्स गवर्नमेंट प्रपोजल टू टर्न वोडाफोन आइडिया ड्यूज। अच्छा, सेबी ने वोडाफोन आइडिया के ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, इक्विटी में मतलब 1% शेयर ले लिया उसमें। ठीक है, 30% शेयर ले लिया उसमें। ओके, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च करा है KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। ठीक है, ओके, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी लॉन्च करी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, इतना ही बहुत है। रेजर को भी मिला है, स्ट्रिप्स को भी, हाँ रेजर और स्ट्राइप उनको भी मिला है। और सैप का नाम क्या है, सैप इंडिया ने लॉन्च करा है इंडस्ट्री का नॉलेज एक्सचेंज इन कोलेबोरेशन विद AWS Amazon वेब सीरीज के साथ। सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड सॉल्यूशन कंपनी है सैप इंडिया, उसने Amazon वेब सीरीज के साथ पार्टनरशिप करी है। ठीक है, इंडस्ट्री का नॉलेज एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए इन कोलेबोरेशन विद AWS, बढ़िया जो भी है। सैप इंडिया ने Amazon के साथ पार्टनरशिप करी है, ये पता है। कॉग्निजेंट ने क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च 5G एक्सपीरियंस सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 5G एक्सपीरियंस सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
कॉग्निजेंट ने कोलैबोरेट किया है क्वालकॉम के साथ, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डाटा के तहत रशिया इंडिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस 1 नंबर पे है। चलो बढ़िया है। टाटा स्टील नीदरलैंड, मतलब टाटा स्टील का नीदरलैंड वाला प्लांट है, उसने एमओयू साइन किया है किसके साथ, फोर्ड के साथ। फोर्ड गाड़ी वाली कंपनी है, ताकि ग्रीन स्टील बेचेंगे। ग्रीन स्टील क्या होता है, अभी ये तो एक अजीब चीज़ हो गई। ग्रीन स्टील कौन बेचेगा, टाटा बेचेगा जो नीदरलैंड का है, नीदरलैंड में कंपनी है, फोर्ड को बेचेगी, फोर्ड के साथ टाइप करा है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्रीन स्टेट के साथ एमओयू साइन किया है टू सेटअप एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेटअप करा जा रहा है, कौन करेगा, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसके साथ, ग्रीन स्टेट के साथ, ठीक है। एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेटअप करा जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है, एज पार्टनर न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर उसका पीएचडी कॉमर्स का है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। पीएचडी हाउस न्यू दिल्ली में ही सेटअप भी होएगा। उसके बाद ये क्या है, यूएसए ने टॉप करा है, चाइना नंबर 2 पे है, यूएई नंबर 3 पे है, सऊदी अरेबिया नंबर 4 पे, और उसके सऊदी अरेबिया ने तो अभी तो इसको पीछे कर दिया था चाइना को, किसी ने तो पीछे करा था ना चाइना को, हम सऊदी अरेबिया से ज़्यादा धंधा कर रहे थे, अच्छा नहीं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट की बात हो रही है, हाँ हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा चालू कर दिया था उधर, पर टोटल धंधा जो है वो चाइना के साथ ही है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मेरे फ़ोन में है वीवो, हाँ है, तो काफ़ी उच्च का काम करते हैं ना वो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मेल्सोवा ने एमओयू साइन किया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मेल्सोवा के साथ पार्टनरशिप करी है, मेल्सोवा सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप करी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, किस चीज़ के लिए, कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स रोरकेला से चालू करो, उड़ीसा के रोरकेला से कॉमर्शियल फ्लाइट चालू करो, किसने बोला है, सेल ने बोला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात कर लेते हैं, ये जो नेशनल इंडस्ट्री सिक्योरिटीज अकेडमी है ना, नेशनल इंडस्ट्री सिक्योरिटी अकेडमी ने जीत लिया है यूनियन होम मिनिस्टर का ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकेडमी हैदराबाद में जो है वो बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी बन गई है, बढ़िया है। उसके बाद बात करें आईटी मद्रास ने जीता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। आईटी मद्रास ने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जीता है 2021-2022 का। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 21-22 का किसने जीता, आईटी मद्रास ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 9 एक्सपर्ट्स फ्रॉम पुंडीचेरी इन वर्ल्ड्स टॉप साइंटिस्ट लिस्ट, ओके, पुडुचेरी के 9 एक्सपर्ट्स फ्रॉम पुडुचेरी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में आए हैं। आईआईटी मद्रास टॉप यूनिवर्सिटी है और आईएससी बेंगलुरु टॉप यूनिवर्सिटी है। आईएससी बेंगलुरु एकेडमिक्स में बहुत टॉप पे, आईआईटी मद्रास इनोवेशन और इन सब में बहुत टॉप पे भाई। हैदराबादी हलीम विंस द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड इन फूड कैटेगरी, ठीक है। हलीम होता क्या है यार, व्हाट इज हलीम, खाने पीने की चीज है पर है क्या ये, चिकन विकन का है क्या कुछ। एसएस राजामौली की जो आरआरआर है इसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड्स 2022, कुछ मतलब नहीं है, हाँ अलग अलग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ही है, सही बात है। ऋषि सुनक यूके के वो बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 57th प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक ने रीअपॉइंट करा है संदीप बख्शी को अपना एमडी सीईओ, मटन है अच्छा, नॉन वेज डिश विद दाल, जाएंगे दिल्ली जल्दी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी हैं हरदयाल प्रसाद, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपॉइंट करा है सीसीआई के मेंबर संगीता वर्मा जी को अपना एक्टिंग चेयरपर्सन। संगीता वर्मा जी तुम वेजिटेरियन हो भाई, फिर भी अच्छी बॉडी बना रखी है, लेकिन मैं खा लेता हूँ यार, मेरा चलता रहता है ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपॉइंट किया है डॉक्टर संगीता वर्मा को एज अ मेंबर ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
उसके बाद शेफाली जुनेजा जी, इनको चेयरपर्सन बनाया है एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ ICAO, इंडियन सिविल एविएशन का, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का इनको चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ ICAO का चेयरपर्सन किसे बनाया? शेफाली जुनेजा को। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने किसको? AK गोयल जी को फिर से चेयरमैन बना दिया है, ठीक है। इंडियन बैंक की एसोसिएशन ने रियलएक्स PNB की जो AK गोयल जी हैं उनको चेयरमैन फिर से बना दिया। और प्रदीप सिंह खारपोला को CMD बनाया है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का। क्या बनाया? CMD बनाया है किसको? प्रदीप सिंह खरोला जी को। इमामी ने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बोरो प्लस। सर्दियां शुरू, बोरो प्लस लगाएंगे अक्षय कुमार जी TV पे आके। कुछ एक्विजिशन और मर्जर्स हुए हैं। नोमुरा सिंगापुर सेल्स 1.52% स्टेक इन CSB बैंक, ठीक है। KKR ने एक्वायर करा है 100% स्टेक इन नेस्ट डिजिटल इंजीनियरिंग फ्रॉम TRG। मेरे को मतलब नहीं लग रहा है इसका कोल बर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स, कुछ नहीं आ रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इसरो का जो हैवीएस्ट रॉकेट है LVM3, इसने सक्सेसफुली प्लेसेस वन वेब ये ब्रिटिशर्स का है ना, UK वालों का वन वेब, ठीक है। वन वेब की 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में डाल दिया है, किसने? इसरो के हैवीएस्ट रॉकेट LVM3 ने, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सेमी कन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी, ठीक है। ये नई टेक्नोलॉजी है फॉर रेट्रोफिटिंग नॉन अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग, ठीक है। जो नॉन अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग है ना, जो बिल्डिंग है पहले बना दी गई अर्थक्वेक को ध्यान में ना रखते हुए, तो उनको सेटअप, उनको फिर से उनमें ताकत पहुंचाने के लिए ये है सेमी कन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी, ठीक है। ओके, नासा का ड्रैगन फ्लाई इज सेट टू लैंड ऑन सैटर्न्स मून टाइटन। नासा का जो है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट, ये सैटर्न के मून जो है, सॉरी हाँ, सैटर्न का जो मून है टाइटन, वहां पे लैंड करेगा, तो वहां पे इसे थैनोस मिलेगा। तुमको पता है ना टाइटन पे थैनोस रहता है, थैनोस मिलेगा इसको, मजा आएगा, मर जाएगा। इसरो का ये IPRC इसरो का प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, उसने सक्सेसफुली टेस्ट इसरोस ICRC सक्सेसफुली टेस्ट इंजन फॉर गगनयान एट महेंद्रगिरी में गगनयान के लिए इंजन को टेस्ट किया गया है। किसने करा है? इसरो ने टेस्ट करा है, ठीक है। क्या नहीं पता तुमको कि थैनोस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? थैनोस मिलेगा भैया, तुमने देखी नहीं है क्या एवेंजर्स? इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्स फर्स्ट इंडिजीनियस ओवर हॉस्टर मैग्नेटोमीटर, ठीक है। मैग्नेटोमीटर किसने डेवलप करा है? इंडियन साइंटिस्ट ने, पहला इंडिजीनियस है ओवर हॉस्टर, ठीक है। ये महाराष्ट्र का उसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ ये तो हो गया। स्पोर्ट्स की न्यूज, मैक्स वर्स्टापेन ने US ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। गई सम, क्या बात कर रहे हो यार। अभी आ रही है, ठीक है। US ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने, ठीक है, जो सब जीत रहा है। मैग्नस कार्लसन ये चेस में सब जीत रहे हैं। मेल्टवार चंपी ओन्स चेस टूर। डेनमार्क ओपन में चाइना को 4 टाइटल मिले हैं डेनमार्क ओपन में। वुमेन सिंगल में चाइना के ही बिंजिग्याओ टॉप करी हैं। मेंस में चाइना के शी यू की टॉप करे हैं, ठीक है। ओके, डेनमार्क ओपन। उसके बाद ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी राइफल और पिस्टल की इजिप्ट में। इंडिया ने 34 मेडल के साथ फिनिश करा है, ठीक है। इंडिया ने 34 मेडल के साथ
फिनिश करा है, 12 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। इंडिया की रैंक क्या है ये कौन बताएगा? सेकंड ऑन द मेडल टैली, सेकंड आई है, चाइना पहले नंबर पे और हम दूसरे नंबर पे। ठीक है, बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को पूरी तरीके से पैसा बराबर मिलेगा। ठीक है विशाल भाई, ये सवाल का जवाब दीजिए जरा, गगनयान कब होएगा? क्या कब होगा भाई? गगनयान का कोई बालक वालक है क्या? गगनयान का मिशन कब लॉन्च होएगा ये पूछना है तुमको? बताओ विशाल, इसका जवाब बताओ, 2023 में होएगा या 2025 में होएगा? उसके बाद ऑबिचुरीज की बात करें, नेशनल अवार्ड रेसिपिएंट बंगाली फिल्म डायरेक्टर पिनाकी चंदोरी जी, तो उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, सोनम बेटा देखो, इम्पोर्टेंट तो बहुत चीज़ें होती हैं कि हर स्पोर्ट्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करोगे तुम? अगर तुमने याद किया है तो वेल एंड गुड, ठीक है, पर मुझे यार नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसे। अब इसमें भी इन्होंने नहीं दिया है सामने सामने, ठीक है लीव इट बी। फ्रेंच पेंटर पियरे सोलगेस पास्ड अवे, 2024 में लॉन्च होगा गगनयान? तुम श्योर हो कि 2000? अब तुम दोनों लोग भाई साहब, दोनों लोगों की मौत निश्चित है, चेक करो, हम ही चेक कर देते हैं तुम्हारे लिए, क्यों परेशान हो, हम ही चेक कर देते हैं भाई। ये लो गगन यान मिशन लॉन्च डेट, ये 3 दिसंबर 2021 बता रहा। दो हजार तेईस और 2025 इसीलिए ऑप्शन दिया था मैंने, समझे बुद्धू? तुम 2024 बता रहे थे, तुमको नींद आ रही है विशाल? 5 मिनट की बात और, अटेंशन मतलब खत्म है बस, 19 नंबर पे है। ओबिचुरी, नेशनल अवार्ड रिसिपिएंट बंगाली फिल्म डायरेक्टर पिनाकी चंदोरी, पिनाकी चौधरी, चंदोरी सुनाई दे रहा है मुझे, पिनाकी चौधरी जी पास्ड अवे। ठीक है, नेशनल अवार्ड रिसिपिएंट बंगाली फिल्म डायरेक्टर पिनाकी चौधरी जी पास्ड अवे। रेड बुल के को फाउंडर हैं डिएट्रिक मैटिशिड्स, इनकी भी डेथ हो गई है। मैं नहीं सुनूंगा, अरे वाह, बुक्स एंड ऑथर्स। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, हरदीप सिंह पुरी जी की किताब है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। यूएन डे 24 अक्टूबर को होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को होता है। एंटोनियो गुटरस इसके वो हैं सेक्रेटरी जनरल, 1945 में बनी थी, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2022 अक्टूबर 24 को। 61st इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिसिंग रेजिंग डे 24 अक्टूबर। आयुर्वेदा डे 23 अक्टूबर। पोलियो डे 24 अक्टूबर। वर्ल्ड पोलियो 2022 एंड बियॉन्ड, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ये पोलियो डे की थीम थी 24 अक्टूबर वाले की। उसके बाद इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग वीक 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे 26 अक्टूबर, ठीक है, पंच दी प्लास्टिक। वर्ल्ड एग डे 14 अक्टूबर, एग्स फॉर अ बेटर लाइफ। और ऑडियो विजुअल हेरिटेज, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 27 अक्टूबर। डिसआर्मामेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर। 76 इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर, कोई मतलब नहीं उसका। और इंफॉर्मेशन, हाँ, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, ये 24 से 31 अक्टूबर। इंटरनेशनल एनिमेशन डे 28 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर। लर्न द साइंस ऑफ स्ट्रोक एंड सेव प्रेशियस टाइम, ठीक है। स्ट्रोक यार, अरे यार, मैं रात है वैसे ही शेयर करनी चाहिए कि नहीं तुम लोगों को ये चीज़? यार मेरा एक दोस्त है, मतलब दो ऐसे केस सुनने को मिले, दोनों के पिताजी भाई, 1 मिनट पहले इतने मस्त
चैन से हंस खेल रहे थे और भाई स्ट्रोक आ गया अगले मिनट, समझ लो तुम, दो लॉन्डो के पिताजी निकल गए जिन्हें मैं जानता हूँ इसी चीज से। वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब होता है? अक्टूबर 29 को, ठीक है। लर्न दी साइंस ऑफ स्ट्रोक एंड सेव प्रेशियस टाइम, बहुत हो रहा है यार ये, ठीक है। स्टेट न्यूज है कुछ, कर्नाटका की है, अपर भद्र स्कीम, ये पहला नेशनल प्रोजेक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। अपर भद्र स्कीम, ये मेजर लिफ्ट इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है ये, ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट का। सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा खरीफ क्रॉप्स को। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऐप का नाम क्या है? कुंजा ऐप केरला की। जैक्सन ग्रीन ने इन्वेस्ट करे हैं 22,400 करोड़, किसमें? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन राजस्थान में। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो राजस्थान में हो रहा है उसमें 22,400 करोड़ जैक्सन ग्रीन ने इन्वेस्ट करे हैं, बढ़िया। दिल्ली के एलजी साहब ने लॉन्च करा है वन टाइम, एलजी मतलब गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनने लॉन्च करा है वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम, इसका नाम है समृद्धि। वन टाइम प्रॉपर्टी का जो टैक्स है उसको एक बार में माफ कर दो, समृद्धि 2022-23, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एंड आर्गुमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये क्या है? दिल्ली की स्कीम है, ठीक है। यूपी आना तुमको, योगी जी से मिलना है यार, भरोसा तो नहीं कोई लाइफ में, लेकिन यूपी में तुमको क्यों आना है विशाल भाई? योगी जी से भाई मत मिलो, योगी जी तेज आदमी है। असम और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, असम ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप करी है, लॉन्च करेंगे ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, मतलब जंगलों में ही मत लगाओ पेड़, बाहर भी लगाओ, ठीक है। ट्री कवरेज इन असम बढ़ाने के लिए टैक्स एमनेस्टी दिल्ली, हाँ टैक्स एमनेस्टी दिल्ली बताए नहीं क्या? समृद्धि 2022-23 MCD LG, अरे दिल्ली के तो LG हैं, ये तो बताइए, वही तुमको बताया था, तेज है इसीलिए तो मिलना है उनसे भाई, बहुत तेज आदमी है। मेघालय गवर्नमेंट ने साइन किया है एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, किसके साथ? मेघालय गवर्नमेंट ने नीपको के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए मेघालय ने MOU साइन किया है। उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक जी, इन्होंने लॉन्च करा है सफल, क्या है ये? कॉमन क्रेडिट पोर्टल है फार्मर्स के लिए, यहाँ पे एक साथ सबका पैसा आएगा, सफल पे उड़ीसा गवर्नमेंट का है। सफल इज इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल, ठीक है। गोवा गवर्नमेंट ने प्लान करा है टू लॉन्च अ कॉमन मोबाइल ऐप फॉर एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री के लिए गोवा गवर्नमेंट एक कॉमन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है, ठीक है, ओला उबर कुछ नहीं चलेगा। गुजरात की जो सेवंथ स्टेट है ना वो अचीव करेगी 100% हाउसहोल्ड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, गुजरात इज दी सेवंथ स्टेट टू अचीव 100% हाउसहोल्ड टैप वाटर सप्लाई जल जीवन मिशन के अंतर्गत, सातवीं स्टेट बनेगी जिसने 100% टैप वाटर अपने यहाँ हो लिएगा, गोवा पहली थी। और मेघालय ने MOU साइन किया है एक और, किसके साथ? ये क्रेडिट गारंटी फंड्स ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर MSME बोरोवर्स, मेघालय ने, ठीक है। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्री लोन सफल, यस, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन, इसकी फुल फॉर्म, बिल्कुल सही बात सोनम बेटा, सही बताया तुमने एकदम। वैसे मेरी आदत है ये बेटा बोलने की, आप जरूरी नहीं है, आप हो सकता है आपकी एज, ठीक है, वो मत मान लेना, बुरा मत मान लेना, तुम्हें को छोटा बता रहा था, ठीक है। तो ऋषि राय जी कह रहे हैं, राय साहब कह रहे हैं, मैं तो 4 महीने का बैंकिंग अवेयरनेस किया हूँ और 3 महीने का टोटल CA किया हूँ, क्या होगा क्या पता भाई, जो होगा सो होगा, कल किसने देखा क्या ही पता, ठीक है। वैसे अब दोनों हफ्ते कंप्लीट कर दिए तुम लोगों ने, बहुत तेज लौंडे हो तुम सब, अब जरा इधर आ जाते हैं और
सेशन खत्म करने की बातों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 2.25 घंटे टिके रहने के लिए अपनी कुर्सियों से, अपने बिस्तरों से और मेरी वीडियो से। उसको जरा अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह में शेयर वगैरह कर देना यार, भेजो अपने दोस्तों को, देखें वो भी, खुश हो जाए कोई, काम आ जाए किसी के, चैनल बढ़ जाए हमारा भी, है कि नहीं। तो लाइक कर देना वीडियो को, ये तो कर ही देना, लाइक तो कर ही देना, शेयर कर देना दोस्तों में मन करे तो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर देना, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही, अब शायद 2 या 3 वीडियो ही आएंगी करंट अफेयर की, कल एक आ जाएगी, एक आएगी मॉक की सॉल्विंग की और एक आएगी बहुत लंबी वाली करंट अफेयर की एक साथ की। और जिनका मन हो, लिंक लगाया तुम टेलीग्राम का, बात तो सही है, तुम 5-6 लोग हो इकट्ठे, चलो मैं टेलीग्राम का लिंक लिख रहा हूँ और ज्वाइन करो उसे, ठीक है, कर लेना। मैं भूल जाता हूँ यार ये सब चीजें, मेरे लिए ध्यान नहीं रहती मुझे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक है। पीडीएफ वगैरह सारी जून से लेके नवंबर तक की सारी पीडीएफ अवेलेबल है, सब उस पर, मंथली वीकली सब अवेलेबल है, ठीक है। और ग्रुप भी है छोटा सा, कोई दिक्कत होती है तो आपस में बात भी कर लेते हैं तुम लोग, ठीक है, सवाल वाले ऊपर नीचे हो जाते हैं तो भी। चलो यार, अब टाइम काफ़ी हो गया, अब करते हैं विदा समारोह, विदाई समारोह करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट। नहीं हो रहा है, अच्छा हम रुको, जैसे वीडियो खत्म होगी इसके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो।